श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि। उन्हीं के पुत्र प्रचेतागण प्रचेताओं के पुत्र महाराज दक्ष हुए। यहां तक की कथा सुनाई। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को, विदुर जी महाराज पुनः हस्तिनापुर पधारे और यहां सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा। भगवन मनु महाराज के सबसे छोटे पुत्र श्री प्रियव्रत जी, उनको भी हमने बहुत सुन रखा है कि वो महान प्रतापी धर्मात्मा हुए। ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो बचपन में ही भगवान की भक्ति करने के लिए घर छोड़ के संन्यास लेकर के चले गए। उनकी क्या कथा है महाराज, थोड़ी विस्तार से सुना मैं। तब सुखदेव जी महाराज ने मनु महाराज के छोटे पुत्र की प्रियव्रत महाराज की कथा सुनाई। प्रियव्रत उसे कहते हैं जिसको व्रत प्रिय हो। व्रत माने संकल्प। भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहते हैं, यह भी याद रखना। आपके संकल्प की दृढ़ता ही व्रत कहलाती है। आपने संकल्प ले लिया कि आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, इस संकल्प की दृढ़ता व्रत कहलाती है। आपने संकल्प ले लिया कि आज की पूरी कथा में मौन व्रत रखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, यह व्रत है। क्योंकि कई तरह के व्रत होते हैं। सत्य व्रत होता है, मौन व्रत होता है, पतिव्रत होता है, कुछ विशेष पर्वों का व्रत होता है। प्रिय व्रत भगवान को पाने के जितने साधन हैं, उन सभी साधनों के प्रति कृत संकल्प थे, इसलिए घर छोड़ करके तपस्या करने चले गए।
पर जब ब्रह्मा जी ने, मनु महाराज ने और नारद जी ने आकर के फिर से गृहस्थ बनकर के कर्तव्य करने का आदेश दिया, तब श्री प्रियव्रत जी महाराज घर पधारे, राज स्वीकार किया, राजा बने। लेकिन राजा प्रियव्रत जी ने देखा कि दिन भर तो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब रात हो जाती है तो सब सो जाते हैं। ऐसा कुछ करो कि रात होवे ही नहीं और कोई सोवे ही नहीं, सब कर्म ही करते रहे। और तब प्रियव्रत महाराज ने अपना रथ लिया और रथ में बैठ करके भगवान सूर्य के रथ के पीछे पीछे अपना रथ चला दिए। जब सूर्यास्त हो जाता है धरती पर, तब उनके रथ का प्रकाश ऐसा होता है कि दिन जैसा ही उजाला दिखता है। 7 दिन तक ऐसा किया तो उनके रथ के पहिए धरती पर जहां जहां टकराए वहां पृथ्वी अलग अलग भागों में खंडित हो गई, बट गई, इसलिए धरती पर 7 द्वीप कहलाए। सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीप वाली धरती कहलाई। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के समझाया कि पुत्र, हमारी व्यवस्था में गड़बड़ी ना फैलाओ, क्योंकि दिन हमने बनाया है तो रात भी हमने ही बनाई है। दिन मनुष्यों के कर्तव्य कर्म करने के लिए है, तो रात्रि उस देह को नई ऊर्जा से भरने के लिए है, विश्राम के लिए है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा, उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने रात बनाई ताकि सब जीव जंतु भी विश्राम कर पाए। ब्रह्मा ने आज्ञा दी तो प्रियव्रत महाराज ने तुरंत स्वीकार कर लिया, घर चले आए। अपने पुत्र अग्निद्र को राज दे करके पुनः स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। इन्हीं अग्निद्र महाराज के वंश में एक महान धर्मात्मा राजा हुई, राजा नाभि। नाभि के घर कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ के प्रसाद से उनके घर पर भगवान नारायण के अंशावतार ऋषभदेव भगवान अवतार लेकर के पधारे। एक बार भाव से जयकार, श्री ऋषभदेव भगवान की जय। सनातन परंपरा में वो भगवान नारायण के अवतार कहलाते हैं। इन्हीं ऋषभदेव महाराज के जीवन चरित्र को, इनके उपदेशों को एक अरहण नाम के राजा ने ग्रहण किया, वहां से जैन परंपरा का प्राकट्य होता है, जैन धर्म वहीं से निकला। भगवान ऋषभदेव जी ने राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री से विवाह किया, उनके घर में 100 बेटे हुए। लेकिन एक पिता होने का दायित्व केवल पुत्र जन्म से ही नहीं हो जाता है, उन पुत्रों को सही दिशा दिखाने से माता पिता का कर्तव्य पूरा होता है। ऋषभदेव जी महाराज ने अपने सब पुत्रों को बुला करके कहा कि देखो बेटा, इस संसार में 2 तरह के सुख होते हैं, एक होता है इंद्रियों का सुख, एक होता है आत्मा का सुख। इंद्रियां संसार से सुख लेती है, आत्मा भगवान से सुख लेती है। एक को विषय सुख कहते हैं, एक को ब्रह्मानंद कहते हैं। एक विषयों का आनंद है, एक भगवान का आनंद है। विषयों का आनंद क्षणिक है, भगवान वाला आनंद परमानेंट है, हमेशा के लिए। तुमको कौन सा वाला चाहिए? बोले महाराज, हमेशा वाला चाहिए, आज हो कल ना हो, ऐसा सुख किस काम का। तब ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, विषयों का सुख तो ऐसा ही है कि वो आज है तो कल नहीं है, कल नहीं है तो परसों नहीं है। लेकिन ब्रह्मानंद एक बार जीवन में आ गया तो जीवन पर्यंत आप उस आनंद में डुबकियां लगाते रहेंगे और मरने के बाद भी आप ब्रह्मानंद में ही डूबे रहेंगे। अच्छा महाराज, ब्रह्मानंद को पाने का तरीका क्या है? तो ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, वो है भगवान की भक्ति। नायम देहो देह भाजाम दृढ़ोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुध्येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम।
अपने देह को थोड़ा तपा करके ब्रह्म सुख की प्राप्ति करें, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करें। विषयों का सुख तो सहजता में अपना प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना मिल ही जाएगा, लेकिन भगवान वाला सुख वो भाग से नहीं मिलता है, वो तो जीव को श्रद्धा करके भरोसा करके उस और परिश्रम करना पड़ता है तब मिलता है। और महाराज इस ब्रह्म सुख को पाने के लिए ऋषभदेव जी का उपदेश सुनकर उनके पुत्रगण 9 बेटे सन्यासी बन गए, 81 बेटों ने ब्राह्मण धर्म अपना लिया, 100 थे ना, 9 सन्यासी हो गए, 81 पुत्रों ने ब्रह्म धर्म अपना लिया, ब्राह्मण धर्म अपना लिया। 10 पुत्रों को ऋषभदेव जी महाराज ने अलग अलग जगह का राज दे करके स्वयं सन्यासी बन गए, तपस्या करते हुए परमहंस वृत्ति को धारण किया, देह भी आत्मा का एक कपड़ा है इस भाव में जीते थे, इसलिए देह पर भी वस्त्र पहनना कोई जरूरी नहीं लगा उनको, और ऐसे परमहंस बनकर के जीते रहे। फिर जब देह का प्रारब्ध पूरा हुआ, देह छोड़ करके अपने निज स्वरूप नारायण स्वरूप में विलीन हो गए। इन ऋषभदेव जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे श्री भरत, उन्हीं भरत जी महाराज के नाम से यह देश, यह धरती, हम लोग जहां रहते हैं इसका नाम भारत हुआ, क्योंकि आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीप का यह भरत खंड या आर्यावर्त उन्हीं ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी महाराज महान पराक्रमी धर्मात्मा राजा तो हुए ही, लेकिन समय आने पर उन्होंने अपने पुत्र सुमति को, उनके बेटे का नाम था सुमति, उसको राज दिया और स्वयं भी भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए घर छोड़ करके वन की ओर चले गए। ये इन राजाओं की कथाओं से, इन महापुरुषों की कथा से हमको प्रेरणा मिलती है कि अगर घर संपत्ति का सुख ही सब कुछ होता तो जो इतने बड़े बड़े सम्राट हैं जिनको अखिल विश्व का, पूरी धरती का राज मिला था, वो भी राज छोड़ करके भजन करने क्यों जाते, तपस्या करने क्यों जाते। इसका मतलब है कि उन्होंने भोग करके देख लिया कि संसार वाला सुख तो टिकाऊ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सुख है जो परमानेंट रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए वो घर छोड़ करके निकलते। राजऋषि भरत जी महाराज भी पुलह आश्रम में तपस्या कर रहे थे। पुलह आश्रम नेपाल में गंडकी नदी में है, उसके किनारे। एक दिन राजऋषि भरत सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को स्नान करने के पश्चात अर्घ्य दे रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी जल पीने के लिए नदी तट पर आई और पीछे से जंगल में किसी सिंह की गर्जना सुन करके वो पानी को, जो छोटी नदी है उसको कूद के उधर जा रही थी। गर्भवती हिरणी का बच्चा, वो गर्भ का बालक पानी में ही गिर गया। हिरणी उधर पहुंची लेकिन मर जाती है। वो बच्चा पानी में तैरता तैरता भरत के सामने से निकल रहा है और इस संत का मन बड़ा दया से भर गया, उस हिरण बालक को निकाल करके बाहर लाए। ये भूखा होगा तो गाय भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले ग्वालों से दूध ले लेकर के उस बालक को, हिरण के बच्चे को पिलाया, बड़ा किया। इतनी भाव से सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों ने प्रत्येक धर्म की बारीकियां बताई है, उसके छोटे छोटे रहस्य हैं वो समझाए। दया करना हमारे यहां बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन हमारी दया हमारी ममता न बन जाए इसमें सावधान रहना पड़ता है। कई बार व्यक्ति चूक जाते हैं, दया करते करते फिर उस जिस पर दया हो रही उसमें ममता होने लग जाती है, आसक्ति होने लग जाती है। श्री भरत जी महाराज भी चूक गए, उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, लगाव हो गया। अपने बच्चों की आसक्ति तो छोड़ दी, लेकिन हिरण के बच्चे की आसक्ति ने उनको पकड़ लिया।
एक दिन हिरणों का झुंड देख करके ये हिरण का बच्चा तो चला गया। राज ऋषि भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि कहां गया होगा, वो तो अभी तक अपने पराई में भी नहीं समझता है, कौन दुश्मन है कौन हितेशी है, कहीं कोई मनुष्य को देख करके शिकारी के पास न चला गया हो, उसको तो कोई मार देगा। ढूंढ रहे थे हिरण के बच्चे को और उसी समय आ गया अंतकाल। स्मृति में हिरण का बच्चा है, निकल गए शरीर से, बस अंत हिमति सा गति, अंत में जहां बुद्धि थी वहीं उनकी गति हो गई। जो घर छोड़ करके भजन करके मुक्त होने आए थे वो फिर मानव शरीर छोड़ करके पशु के शरीर में चले गए, हिरण बन गए। ये आसक्ति का ये लगाव का फल मिला। तो फिर इतने समय तक भजन किया था, तपस्या करी थी, साधना करी थी, उसका क्या फल मिला? तो उसका फल बताया, शरीर तो हिरण का मिल गया लेकिन उनकी स्मृति उनकी बुद्धि अब भी सावधान है। उनको याद है कि मैं घर छोड़ के आया था भजन करने के लिए लेकिन मेरी आसक्ति ने मुझे हिरण बना दिया। यह है भक्ति का प्रभाव। राजऋषि भरत जी महाराज हिरण बन गए लेकिन फिर भी हिरणों के झुंड में अपनी ममता नहीं रखते हैं, अलग रहते हैं, सूखी पत्तियां खाते हैं, कहीं पाप ना हो जाए। एक शरीर तो मिल गया पशु वाला, फिर कहीं और मुझे आगे ना जाना पड़े, इसलिए पूरी सावधानी से जी रहे। उस हिरण के शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, कुछ वर्षों में हिरण का शरीर छूटा और फिर वही राजऋषि भरत जी महाराज मानव शरीर में चले आए। एक ब्राह्मण के घर बालक के रूप में, ब्राह्मण बालक के रूप में जन्मे। जब ब्राह्मण बालक बनकर के जन्मे, थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने बड़ी प्रसन्नता से इनका नाम रखा कि हमारे राजा का नाम भरत था और उनके नाम से देश विख्यात है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम भरत रखता हूं। कुछ और बड़े हुए, गुरु जी के पास पढ़ने भेजा, एक साल में एक मंत्र भी याद नहीं किया जानबूझ करके। उनको पता है कि अगर मैंने मंत्र याद कर लिए तो फिर पिताजी फंसाएंगे संसार में कि बेटा आज फला जगह मकान का मुहूर्त करवा के आ जाओ, आज वहां किसी का विवाह करवा के आ जाओ, फिर तो डिपार्टमेंट बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्या करें, अपने को भजन करना है, प्रवृत्ति में जाना ही नहीं है, तो ये कर्म सीखो ही मत जिससे प्रवृत्ति में प्रवेश होता है। नहीं सीखा, पढ़ाने वाले गुरु जी ने एक साल तक रटाया लेकिन एक भी मंत्र याद नहीं किया, तो कहा कि इसका नाम भरत क्यों रखा, तो जड़ बुद्धि है, नाम रख दो जड़ भरत, पत्थर जैसी बुद्धि है, जड़ भरत हो गए। अब जड़ भरत जी महाराज कुछ नहीं पड़े तो घर के काम में लगा दिया, झाड़ू बुहारी करो, ये करो। थोड़े समय में माता पिता का शरीर शांत हो गया। अब घर के भाइयों ने तो निर्दयता से घर के काम में लगाया कि सब काम तू ही कर, लेकिन वो प्रत्येक काम में अनासक्त रहते हैं। झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं चींटियां दिख गई, कीड़े मकोड़े दिख गए, वहीं छोड़ करके बैठ गए, ये जब जाएगी तो झाड़ू लगाएंगे। जीवों को नहीं मारना, पाप हो जाएगा, इतने सावधान रहते। घर वालों ने कहा कि घर का काम तो ये नहीं कर पाएगा ढंग से, सुबह से शाम तक एक बुहारी नहीं लगती, चलो खेत में रखवाली में छोड़ो। पशु चराने भेजा तो जानवरों को जंगल में ही छोड़ के आ जाते, ये यहां खुश हैं आराम से खा पी रहे हैं तो घर में बंद लजा के बांधना का है। खेत की रखवाली में छोड़ा तो वहां पक्षियों को उड़ाने की बजाय पक्षियों को बुलाते हैं, भाई मैं काहे को उड़ाऊं, भगवान का खेत है, भगवान की चिड़ियां हैं, भगवान का दाना है, खाए तो मौज करे। राम जी की चिड़ियां, राम जी का खेत, खाओ हमारी चिड़ियां, भर भर पेट। निमंत्रण देते हैं कि खाओ आराम से। भाइयों ने जाकर के देखा, अरे ये तो किसी काम का इंसान नहीं है, मनुष्य के शरीर में पशु है, चलो इसको यहां से भी निकाल देते हैं। ये जानबूझ करके सब कुछ समझते हैं लेकिन फिर भी ऐसे नाटक करते हैं ताकि घर वाले कोई उनके साथ अपनी ममता न जुड़े और उनकी ममता घर वालों में न हो। क्योंकि कभी कभी भजन करने के लिए स्वयं को पागल भी बनाना पड़ता है।
ज्यादा होशियारी लगाओ तो फिर संसार छूटता नहीं, पकड़ के रखता कि ये भी तुम करना, ये भी कर लो, ये तो आप कर ही लेंगे, हमसे तो ऐसा बढ़िया परफेक्शन से होगा नहीं, आप करो। तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे पागल जैसा बावड़े जैसा व्यवहार करते हैं, रोटियां बनाई तो जला दी, सब्जी बनाई तो नमक दुगुना डाल दिया, अरे ये तुमसे नहीं होगा, चलो बैठो माला फेरो तुम तो। अरे यही तो चाहते थे माला फेरना ही तो। ऐसे महाराज जड़ भरत जी को जानबूझ करके वो संसार के व्यवहार में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, और तब उनको घर वालों ने घर से, खेत से, सब जगह से निकाल दिया, वन में विचरण करते हुए आनंदित रहते हैं। एक बार जंगल के दस्यु राजाओं के घर कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवती माता को कहा कि हे माँ, अगर मेरे घर बेटा हो गया तो हम आपको नर बलि चढ़ाएंगे। कैसे पागलपन है, हमारे घर नर का जन्म हो जाए, मनुष्य का पुत्र जन्म जाए तो किसी और मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। संयोग की बात थी, थोड़े समय में बेटा हो गया, तो कहा कि अब तो मनुष्य की बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, कहां से लावे मनुष्य। जंगल में ढूंढते हुए उनके सेवक जा रहे थे और जड़ भरत जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में, ए मोटे ताजे शरीर, अरे इनको ले चलो, माता जी खूब खुश होगी। पकड़ के ले गए और ले जाकर के जैसे ही माता जी के सामने खूब बढ़िया भोजन करवाया, स्नान करवाया, कपड़े धारण करवाए और कहा कि अब चढ़ाओ बलि। बलि चढ़ाने के लिए खड़ा किया तो भगवती माँ की मूर्ति में से साक्षात आद्या शक्ति प्रकट होकर के हाथ में से तलवार खींच के मारने वाले का ही मस्तक काट दिया। मेरे भक्त को मारता, ये तो ब्रह्मानंद में लीन रहने वाला ब्रह्म ज्ञानी है, तुम इनको मारना चाहते हैं। जड़ भरत जी महाराज को हाथ जोड़ के माता जी कहती है कि महाराज आपको हमारे कारण बड़ी परेशानी हुई। ऐसे ही परेशानी की बात करें तो जड़ भरत जी कहते हैं, मां परेशानी कहां, यहां तो खूब सेवा हुई, लोगों ने लड्डू खिलाए आज तो, मां स्नान करवाया, कपड़े पहनाए। अरे महाराज आप जैसे ब्रह्मज्ञानी तो प्रतिकूल परिस्थिति को भी सेवा ही स्वीकार करते हैं, सेवा ही मान लेते हैं। जड़ भरत जी मां को प्रणाम करके फिर जंगल में चले आए। ऐसा बहुत काल बीतता है, एकांत में वन में रहते हुए भजन करते हैं, साधना करते हैं। एक दिन सिंधु सोवीर का राजा रहुगण, मन में थोड़ा वैराग जगा तो सोचा कि जाकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके आऊं। इस समय में ब्रह्म ज्ञानी कौन है, तो समाचार मिला कि कपिल भगवान ब्रह्म ज्ञानी है। कपिल भगवान के पास वो पालकी में बैठ करके जा रहा था, चार मनुष्य उसकी पालकी उठा के ले जा रहे हैं। पालकी चलती चलते जंगल में पहुंची और वहां पालकी उठाने वालों में से एक कहार बीमार पड़ गया। उसने कहा कि मालिक अब मेरे से पालकी नहीं उठेगी, तो दूसरे वाले ने कहा कि अगर इनसे नहीं उठ रही है तो राजा ने भी आदेश दिया कि जंगल में कोई भी आदमी मिले तो ले आओ, क्योंकि यहां की प्रजा तो सब हमारी सेवक ही है। जंगल में इधर उधर देखा और तो कोई मिला नहीं, ये जड़ भरत जी महाराज मिल गए, इनको पकड़ के लाके पालकी में लगा दिया, उठाओ महाराज पालकी। अब उनको क्या पता कि ये कौन है, जड़ भरत जी भी चुपचाप पालकी उठा करके चल रहे। मन में विचार आ रहा है कि पिछली बार हम भी राजा थे भरत के रूप में, खूब पालकियों में यात्रा करी, दंड तो भोगना पड़ेगा, जो किया सो वापस, अब अपने को उठा के चलना है। चुपचाप चले जा रहे थे कि बीच में कोई चींटियों की नाल चल रही है, अरे इस पे पांव न लग जाए, उछल करके कूद के आगे पग रखा। जैसे ही कूदे तो पूरी पालकी हिल पड़ी, राजा के माथे में खोपड़ी में चोट लगी। राजा ने चिल्ला करके कहा कि ठीक ढंग से चलो। कहारगण बोले, मालिक हम तो सही चल रहे हैं लेकिन ये नया वाला बहुत उछलता। दो चार बार फिर ऐसी घटना घटी तो राजा को क्रोध बहुत बढ़ गया, पालकी रुकवा करके नीचे उतरे, हाथ में लकड़ी लेकर के कहा कि तू कोई दुबला पतला है, बीमार है, दुखी है, रोगी है, मुझे सब पता है, तो जानबूझ करके ऐसे नाटक कर रहा है, मैं अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा, अभी तेरा इलाज कर दूंगा। अब जड़ भरत जी को लगा कि आज भी नहीं बोला तो
एक संत के संग का फल क्या होता है लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जड़ भरत जी ने बोल करके कहा, राजन तुम जिनका इलाज करने की बात करते हो ना, उनका इलाज तो हमने बरसों पहले कर दिया। तुम शरीर को दंड देने की बात कर रहे हो और शरीर को हमने अपना मानना ही छोड़ दिया कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो एक वस्त्र है, किसी के वस्त्र को पीटने से किसी की चोट थोड़ी लगती है, ये आत्मा का वस्त्र है शरीर, तो इसको मारने से मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। तब रघुगण को लगा, रे राम राम, ये तो कोई बहुत बड़ी महात्मा है, गले में पहनी हुई मूझ की जनेऊ दिखाई दी। दंडवत प्रणाम करके राजा ने कहा कि महाराज मुझे ब्रह्मास्त्र से और इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है, लेकिन आप जैसे ब्रह्मज्ञानियों के अपराध से डर लगता है, आप कौन है महाराज? महाराज आपने यह कहा कि शरीर को दंड देने से आत्मा को दंड नहीं होता है, उसको कष्ट नहीं होता है, ऐसा कैसे संभव है? तब क्या अद्भुत संवाद है, एक महापुरुष का, एक राजा का, एक जिज्ञासु जो प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर देकर के स्वयं नहीं तर्क रखा राजा ने कि महाराज आत्मा भी तो शरीर में रहती है और आत्मा को दंड मिले, महाराज शरीर को दंड मिले तो आत्मा को क्यों ना मिलेगा, कैसे मिलेगा? उदाहरण देकर के समझाया कि एक बर्तन में पानी डालो, अंदर चावल डालो, चूल्हे पर चढ़ा दो, नीचे आग जल रही है, उस आग के प्रभाव से बर्तन गर्म होता है, बर्तन गर्म होने से बर्तन के अंदर का पानी गर्म होता है, बर्तन की गर्मी से पानी गर्म हुआ और पानी की गर्मी से अंदर पड़े चावल भी सीज जाते हैं। तो महाराज ये शरीर रूपी बर्तन को अगर कोई गर्म करे, इसको कोई कष्ट देवे, तो अंदर पानी और चावल के रूप में पड़ी आत्मा को कष्ट नहीं होता, तकलीफ तो होगी। महाराज जड़ भरत जी खूब हंस पड़े पर कहा कि राजन हो तो मूर्ख लेकिन ज्ञानियों के संग में बैठ करके ज्ञान की बातें करना सीख गए, ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, अकोविदह कोविद वादवान वादान, मूर्ख होकर के भी ज्ञानियों जैसी बात करते हो। पर सुनो, तुमने आत्मा के लिए जो जो दृष्टांत दे करके उदाहरण दे करके समझाया कि बर्तन पानी चावल ये सब चीजें सावयव है, सावयव माने आंखों से दिखने वाली है, और आत्मा को किसी ने देखा क्या? आत्मा आंख से नहीं दिखती है, अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे जहां आग जली है, आग शांत होने के बाद वहां के आकाश में हाथ घुमा के देखो तो वहां का आकाश गर्म नहीं होता, क्योंकि आकाश अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे आकाश गर्म नहीं होता है, वैसे देह की पीड़ा से आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती है, देह के साथ ममता का बंधन है, इसलिए देह की पीड़ा हमें अपनी पीड़ा लगती है। बहुत सुंदर उपदेश दिया, रहुगण की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खोल दी, सारे संशयों का निवारण किया और कहा कि आत्मा तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा का स्वरूप समझाया, आत्मज्ञान करवाया और फिर राजा रहुगण को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पर तत्व ज्ञान हो जाता है। ये जड़ भरत जी महाराज इस तरह से भवाटवी का वर्णन करके राजा को ज्ञान दे करके पुनः पधार जाते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को फिर भूगोल और खगोल का वर्णन करके सुनाया। देखो हमारे धर्म शास्त्रों में सब ज्ञान है, ये धरती का भी ज्ञान है, मनुष्य शरीर का भी पूरा विज्ञान है, और यहां तक कि आकाश में इस विशाल अंतरिक्ष में कहां क्या है यह भी ज्ञान है। कौन सा ग्रह किस गति से चलता है, कौन सा ग्रह दूसरे ग्रह से कितनी दूरी पर है, हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है ये उसी का तो प्रमाण है। क्योंकि महाराज
हमारे महापुरुषों ने, उन ऋषियों ने ध्यान के माध्यम से सारे विश्व का विचरण करके देख लिया। यहां तक कि आज के विज्ञान को इतना ही पता है कि धरती तो चलती है लेकिन सूरज नहीं चलता है, पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं सूरज भी चलता है, वो भी अपनी जगह अपनी धुरी पर घूम रहा है। 12 महीने में सूरज भी 12 राशियों को पार कर लेता है। इतना सूक्ष्म ज्ञान जो है ये इन महापुरुषों का, इन ऋषियों का है। तो ऐसा ज्ञान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दे रहे हैं। प्रक्षादि नवद्वीपों का वर्णन, सप्तद्वीपों का वर्णन करके सुनाया, अलग अलग नव पृथ्वी के खंडों का वर्णन करके सुनाया, संपूर्ण विशाल अंतरिक्ष के विषय में सूक्ष्म जानकारी दी, और फिर धरती से 99 लाख योजन नीचे की ओर दक्षिण में एक नगर है जिसको संयमिनीपुरी कहते हैं, जिसको नरक के नाम से जानते हैं। वहां जीवात्माओं को कष्ट दिया जाता है, दंड दिया जाता है। क्यों महाराज? धरती पर जीव पाप करता है तो उसके पाप का फल भुगाने के लिए उनको नरक में ले जाते हैं, और वहां यमराज के दूत, वहां नरक के भी अलग अलग खंड हैं, वहां भी अलग अलग विभाग है, 28 प्रकार के अलग अलग दंड है वहां। विशेष करके वहां जीव को तकलीफें मिलती है, कष्ट मिलता है, प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है। वहां रोरव नाम का नरक है, कुंभीपाक है, वैतरणी है, असीपत्र है, सूल वन है, तामिश्र है, अंध तामिश्र है, महारोरव है, इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन जब विस्तार से किया और कहा कि धरती पर जीव जो जो पाप करे उसको पाप के फल के रूप में नरक तो भोगना ही पड़ता है, और नरक की यातनाएं इतनी भयंकर है जिनको भोगते भोगते जीव त्राही त्राही कर उठता है, लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं। जब तक हमारा पाप कर्म शेष है तब तक दंड मिलता ही रहता है। वहां दंड से छूटने का एक ही उपाय है, जिस दिन पाप पूरे हो जाएंगे उस दिन जीव को वहां से निकाल देंगे। जब तक पाप है तब तक वहां कष्ट है, दंड है। जब ऐसे घनघोर नरक के भयंकर दंडों का, वहां के कष्टों का वर्णन किया, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव जाने अनजाने में जीव से पाप तो हो ही जाता है, ऐसा क्या उपाय है कि वो नरक में न जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से जीव नरक यातना भोगने न जाए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, हां राजन, नरक ऐसे ही समझो जैसे धोबी गांठ। किसी आदमी के कपड़े मेले हो गए, खुद नहीं धोता है तो धोबी को धोने के लिए देता है, और वो जब धोता है तो दया करके नहीं धोता है, बढ़िया पछाड़ता है, धोता तो है लेकिन पीटता बहुत है। बस ऐसे ही जो व्यक्ति अपने पाप स्वयं साफ नहीं कर लेता है, उसके पाप को धोने के लिए भगवान ने भी एक धोबी घाट बना रखा है जिसका नाम है नरक। वहां जीव को ले जाकर के इतना कष्टों से यमराज के दूत धोते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के चिपके हुए पाप जल्दी से तो उतरते नहीं, पर वहां जब भयंकर पीड़ाएं मिलती है, यातनाएं मिलती है, हमारे शरीर के तो कष्ट सहन करने की एक सीमा है, उससे ज्यादा जैसे ही दर्द होता है तो आदमी मर जाता, कोमा में चला जाता, लेकिन नरक में उसको जो शरीर दिया जाता है जिसका नाम है यातना शरीर, वहां कितने भी कष्ट, जैसे गर्म किया हुआ तेल उकल रहा है और उसमें किसी को पटक दिया, वो तब तक उसमें तलता रहेगा, जलता रहेगा, परेशान होता रहेगा, जब तक उसका पाप समाप्त नहीं हो रहा तब तक उसको वहीं वो कष्ट सहन करना है। बालू रेत पर सैकड़ों किलोमीटर तक यमराज के दूत पीछे से मारते हुए भगाते हैं, ऐसी जो पीड़ाएं हैं, तीखे तीखे सुए के द्वारा आंखें निकालते हैं, कितनी बार पुनः नई आंख प्राप्त हो फिर उसको निकालने का काम,
ये तब तक होता रहता है जब तक जीव का पाप समाप्त ना हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो अपने पाप यहीं साफ करके चला जाता है उसको फिर नरक यातना भोगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके पाप तो है नहीं, वहां क्या करेगा वो, उसका कोई काम ही नहीं। भाई नरक उसके लिए ठंडा हो जाता है जिसके पाप समाप्त हो गए। पापी भी नरक यातना में पाप भोगते भोगते जिस दिन उसके पाप मिट गए उस दिन वहां नरक उसको कष्ट नहीं देता। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, पाप को साफ करने का, पाप को मिटाने का कोई बढ़िया सा साबुन हो तो बता दो महाराज, धोखे जावे साथ में लेके न जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक उपाय है पाप को साफ करने का। क्या है महाराज? भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए। सांकेत्यम परिहाशम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का नाम आपके संपूर्ण पापों को समाप्त करने का काम करता है। इसलिए प्रभु का नाम लेने की आदत बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए, खूब नाम जप होने लग जाए। जब नाम जप होता है तो पाप अपने आप धुलने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं कि जिस जीव की आदत हो गई नाम लेने की और अंतिम समय में अगर अनजाने में भी मुंह से नाम निकला है तो भी वो भगवान की धाम का अधिकारी बन जाता है। सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई कि मुझे कुंभज ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि ने नाम महिमा की एक कथा सुनाई थी, सत्य घटना। कन्नौज में, कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा संस्कारी बालक, वेद पाठी बना, कर्मकांड करता है, लेकिन एक दिन वन में एक दूषित दृश्य दिखाई दिया जिससे उसके मन में दोष प्रवेश कर गए। घर आकर के अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़ा और एक वेश्या के साथ जाकर के रहने लग गया। बरसों बीत गए उसके साथ रहते रहते, पाप में लिप्त रहता है। वेश्या को धन से मतलब है तो उसके लिए वो धन लाता है। अब धर्म पूर्वक धन अर्जन न होने लगा तो पाप करने लगा, कभी चोरी कर लेता है, कभी किसी गरीब को लूट के ले आता है, कभी कहीं डाका डाल देता है, और फिर ऐसे अधर्म होने लगा तो वृत्ति दूषित हो गई, मन में पाप प्रवेश कर गया, अब खान पान भी दूषित हो गया। जो नहीं खाने का है वो सब खाने लगा, जो नहीं पीने का है सब पीने लगा। फिर उसके जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं बच गया जो वो नहीं करता है। ऐसा जीवन का पतन हुआ। ये पुण्यात्मा ब्राह्मण बालक एक महापापी ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक दिन उस गांव में संत आए और महात्माओं ने पूछा कि भाई आपके गांव में किसी हरि भक्त का घर है क्या? हम लोगों को वैष्णव के घर का प्रसाद पाना है, हमको भगत के घर का जीवन, कोई भक्त है? लोगों ने भी तो अजामिल की कहानी देख रखी थी अपने सामने, उनकी आंखों के सामने वो रहता था। सीधा सा एड्रेस दिया कि हाँ महाराज, हमारे गांव में सबसे बड़ा धर्मात्मा अजामिल है, उसी के घर चले जा। क्योंकि उनको लगा कि सब एक ही श्रेणी के होते हैं, अजामिल पापी तो ये कौन से पुण्यात्मा होंगे। महात्मा लोग अजामिल के घर गए, भिक्षा की याचना करी तो अजामिल के घर रहने वाली उस वेश्या ने महात्माओं को भोजन प्रसाद जिमाया। जीम करके महात्मा कीर्तन करने लगे तो आसपास के कुछ लोगों ने आकर के कहा कि महाराज जी आप यहां, आप जी ऐसी अपवित्र जगह में क्यों बैठे, थोड़े कहीं बाहर आकर के मंदिर में कीर्तन करते तो गांव के और धर्मात्मा लोग भी लाभ लेते, लेकिन आप महापापी के घर बैठे। महात्माओं ने कहा भाई हमने तो सुना कि ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है गांव का। अरे महाराज, किसी ने आपसे व्यंग्य किया है, किसी ने आपको गलत बताया है, गांव का एक नंबर का पापी है ये। महात्मा घबराए, अरे राम राम राम, पापी का अन्न खा लिया, अब क्या होगा, हमारा मन कहीं बिगड़ ना जाए, हमारी भक्ति कहीं छूट ना जाए।
एक महात्मा बोला मैं तो उल्टियां करके अन्न को निकालूंगा, एक बोले हम तो पेट चीर के मरेंगे, लेकिन मन बेकार नहीं होना चाहिए। तन चला जाए तो चला जाए, लेकिन मन को संभाल के रखना, क्योंकि साधना में मन बड़ा सहायक होता है। क्या करें? एक महात्मा बोले भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, 24 घंटे आंख भी नहीं खोलेंगे, ये अन्न तो पच जाएगा, नाम लेकर के पचा लेंगे। एक परम कृपालु संत बोले भाई पापी के घर का अन्न खा करके पचा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उस अन्न को पचा करके अपना कल्याण तो करना, लेकिन उस पापी का भी अगर कल्याण कर दो तो हम सच्चे साधु हैं, तब हम महाराज भगवान के सच्चे भक्त हैं। ऐसे संभव है? इतने में अजामिल आया, वेश्या के कहने से संतों को हाथ जोड़ा, बाकी तो कभी प्रणाम भी नहीं करता था, उससे डरता है वेश्या से, इसलिए कहने से हाथ जोड़ लिया। महात्मा ने कहा अजामिल भोजन तो हो गया, आप दक्षिणा दे दो। महाराज दक्षिणा यही है कि मेरे घर से साधु संत सीधे सलामत बाहर निकल जावे, नहीं तो मेरे घर में आवे तो हाथ पांव तोड़ के ही भेजते हम तो। महात्माओं ने कहा ना रुपये पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, भगत तेरी संतानें कितनी हैं? बोले 9 बेटे, 10वां होने वाला। एक काम करना, 10वें बेटे का नाम तो नारायण रख देना। हाँ हम तो अच्छा है, इसमें क्या रख देंगे, नारायण रख देंगे। बस महात्मा अजामिल से वचन लेकर के चले गए, थोड़े समय में अजामिल के घर बेटा हुआ और इस 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण जैसे जैसे बड़ा होने लगा, सबसे छोटा बेटा है, अजामिल को अपने पुत्र में बहुत ममता है, और जैसे ही 80 वर्ष का अजामिल हुआ तो यमदूत आए और यमदूतों ने अजामिल को आत्मा को जैसे ही पकड़ा, खींचने लगे शरीर से बाहर, वाणी अवरुद्ध हो गई, आंखें धुंधला गई, दिखना बंद सा हो गया, लेकिन घबराया कि कौन है मेरी राह सहायता करने वाला, सामने खेलता हुआ अपना बच्चा दिखाई दिया, पुकार पड़ा नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ, बस केवल नारायण का नाम ले पाया। जैसे ही नारायण बचाओ ऐसा पुकारा, तत्काल भगवान नारायण के पार्षद वहां करके प्रकट हो गए और यमदूतों से कहा कि अरे पापियों भगवान के भगत को ले जा रहे हो। यमदूतों ने कहा मालिक इसके नाम की फाइल चेक करो, इसको आप भगत कहते हो, ये दुनिया का एक नंबर का पापी, ऐसा कोई पाप नहीं जो ये नहीं करता हो। भगवान के पार्षद कहते देखो अंत समय में जो भगवान को पुकार रहा है अपनी सहायता के लिए वो तो भगत ही होता है। अरे महाराज इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसने नारायण अपने बेटे को पुकारा। भगवत पार्षद कहते हैं इसका बेटा नारायण कब से हुआ? बोले 5 साल पहले से, जब से इसका जन्म हुआ और नाम रखा नारायण तब से नारायण है। कब तक रहेगा? 80-90 वर्ष का होगा तब तक रहेगा, उसके बाद तो मर जाएगा। बोले इसके बेटे के जन्म के पहले कौन नारायण था? बोले उससे पहले तो नारायण भगवान थे, इस बेटे के मर जाने के बाद कौन नारायण होगा? बोले बाद में भी भगवान नारायण होंगे। बोले जो बाद में भी नारायण है, पहले भी नारायण था, तो बीच में भी वो नारायण कहां चला गया? वो ही नारायण है इसने जिसका नाम लिया है, जाओ छोड़ दो इस आत्मा को। यमदूतों से अजामिल की आत्मा को छुड़वा दिया। अजामिल की उम्र थी 88 वर्ष, किस्मत में लिखी हुई भाग में, पर पाप ज्यादा किया इसलिए 8 वर्ष बिफोर आ गए, पहले ही आ गए यमदूत। लेकिन आज महाराज जब भगवान के पार्षदों ने छुड़ाया तो वो लेकर के नहीं गए, अरे अभी तो इसकी उम्र बाकी है चलो छोड़ दो। अजामिल को फिर से उसी शरीर में छोड़ करके चले गए। अब अजामिल घबराया हुआ, पसीना बह रहा है, आंसू गिर रहे हैं, पश्चाताप की आग में जला जा रहा है, अरे राम राम मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया है, अनजाने में बेटे के बहाने मैंने उस करुणा निधान परमात्मा का नाम एक बार पुकारा और उसके बदले मेरे प्रभु ने आज मुझे अनंत नरक यात्रा से बचा लिया। अगर मैंने प्रेम से मेरे प्रभु को भजा होता, उनका नाम लिया होता, तो न जाने इस जीव को परमात्मा क्या प्रदान करते। आपसे मैं दुनिया का सारा पाप छोड़ करके भगवान का नाम लूंगा।
और अजामिल ने केवल भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया। गंगा जी के किनारे जाकर के हरिद्वार में 8 वर्षों तक उसने नाम जप किया और जीवन के संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया। उधर यमदूतों ने जाकर के यमराज जी से कहा कि महाराज अब आपकी नौकरी करना मुश्किल हो गया, क्योंकि बड़े बड़े पापियों को पकड़ते हैं, वो अंत समय में एक बार नारायण बचाओ ऐसा चिल्ला देवे तो भगवान के पार्षद आके छुड़ा जाते, हम क्या करें महाराज, ये नारायण कौन है ऐसा महाराज जिसके नाम से बड़े बड़े पापी भी बच जाते, देखो आज अजामिल नाम के पापी को ला रहे थे जो इतना बड़ा पापी, लेकिन एक नाम लिया नारायण का भगवान के पार्षदों ने आके बचा दिया। यमराज जी ने धर्मदूतों को मुंह पर हाथ रख के चुप करवाते, कहा कि सुनो ये नाम खबरदार जो जोर से बोला था ये नरक है, यहां ये नाम नहीं बोला जाता, धीरे बोलो। अजामिल की सारी घटना सुनाई तो धर्मराज जी ने कहा देखो भैया भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो परमात्मा का नाम लेता है वो अनंत जन्मों के पापों को समाप्त कर देता है, फिर वो हमारे यहां नहीं आता है, वो जीव भगवान की धाम का अधिकारी हो जाता है, इसलिए भगवान नाम लेने वाले जीव को कभी नरक में लाने की सोचना भी मत। सुनो हम तुम्हें कुछ एक एक नियम बताते हैं, ऐसा ऐसा जो धरती पर करते हैं उनको कभी नरक में नहीं लाना, लेकिन ये कार्य तीन काम बताए, और ये तीन काम जो नहीं करता है बस ऐसे जीवों को नरक में लेकर के आना। कौन से काम है हमारा नरक से बचना है तो साक्षात नरक के राजा धर्मराज जी कह रहे हैं, जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है ऐसे जीवों को नरक में लाना, जिनकी जीव भगवान का नाम उच्चारण करती है राम राम करती है ऐसे जीवों को कभी नरक में नहीं लाना। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, जिनका चित्त जिनका मन भगवान के चरणों का कभी स्मरण नहीं करता है चिंतन नहीं करता है ऐसे पापियों को नरक में लेके आना। जो संसार भर को दिल में बिठा के बैठे हैं लेकिन उस करुणानिधान परमात्मा का कभी हृदय से चिंतन नहीं होता ऐसे पापी को नरक में लाना। तीसरी बात बताते हैं, कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, ये खोपड़ी कभी भगवान के सामने नहीं झुकती है, अहंकार में ऊंट की तरह ऊंचा करके घूमे ऐसे पापी को नरक में लेके आना, क्योंकि ये मस्तक जिसका परमात्मा के सामने बार बार झुकता है विनम्रता से उसके पाप की गठरी तो सब उतर ही जाती है, परमात्मा कृपा करके उस जीव को तो मुक्त कर देते हैं। तो ये तीन काम बहुत आसान है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगना है और जीव का उद्धार हो जाता है। जिह्वा से भगवान का नाम लेना, मस्तक से भगवान को प्रणाम करना और मन से भगवान का स्मरण करना, बस तीन काम कर लिए तो नरक से हमेशा के लिए बच गए, उधर वाली हमारी लिस्ट ही खत्म हो गई, उधर जाना ही नहीं। धर्मराज जी महाराज ने अपने दूतों को समझाते हुए कहा कि भगवान के नाम में महाशक्ति है, परमात्मा के नाम में महान शक्ति है, तो आओ हम सब लोग भी राम जी के नाम की पावन महिमा का श्रवण करें, मन सीता राम रट रे थारा पाप जावेला सब कट रे। भगवान का नाम रटेंगे तो पाप कटेंगे, महापुरुषों ने बड़ा प्यारा बताया है, एक पद के माध्यम से भाव से श्रवण करें। राम राम मन सीता राम रट रे थारा पाप जावेला सब कट रे, राधे कृष्ण रट रे तारा पाप
आप जावेला सब कटरे। मनवा सीताराम सीताराम रटेरे थारा संकट जावे सगरा कटेरे। ओ मनवा राधे श्याम रटेरे थारा पाप जावेला सब कटेरे। से भी जीव का उद्धार हो जाता है। अजामिल का चरित्र नाम महिमा नहीं है, कि नामाभास की महिमा है। उसने कौन सा जानबूझ के लिया, ब्रह्म बसात अपने बेटे के बहाने लिया, उसका भी इतना बड़ा फल। जब परमात्मा का नाम प्रेम से लिया जाए तो उसका तो अनंत गुना फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामायण में कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। नाम की बड़ाई कैसे करूं, स्वयं राम जी भी अपने नाम की पूरी महिमा नहीं गा सकते। अनंत महिमावंत है प्रभु का नाम। भागवत जी का षष्ठम स्कंद पोषण कहलाता है। पोषण माने अनुग्रह। अगर भगवान का अनुग्रह न हो, जीव कर्म करता जाए फल भोगता जाए, फिर कर्म करता जाए फिर फल भोगता जाए, ऐसे तो अनंत युगों तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता है। लेकिन जीव का उद्धार होता है प्रभु का कृपा आश्रय करने से, उनका नाम आश्रय करने से।
उनके शरण में होने से, उनका भरोसा करने से। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करे, न्यायानुसार तो न्यायाधीश उसको फांसी की सजा देगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति से वो अपनी फांसी माफ करने की गुहार लगाए, प्रार्थना पत्र भेजे, तो राष्ट्रपति जी क्या यह स्वतंत्र अधिकार है कि वो चाहे तो फांसी माफ कर सकते? बस ऐसे परमात्मा के अधिकार तो सारे के सारे सर्व स्वतंत्र है। कोई जीव भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु हमने कर्म किया, आपके न्यायाधीश धर्मराज जी हमको दंड देवे, फिर कर्म करे फिर दंड मिले, ये परंपरा तो चली आ रही है, अब हम आपकी शरण में हैं, आप अनुग्रह करके हमें इस संसार के कर्म चक्र से बाहर निकाल दो महाराज। और राम जी कृपा करे तो जीव का उद्धार हो जाता है, जीव भगवत प्राप्त हो जाता है। इस तरह से नाम महिमा सुनाई और कहा कि नरक में नहीं जाना है तो एक ही उपाय है, भगवान का नाम लेकर के जीव अपने पाप यहीं पर धो करके जाए, ताकि नरक में जाने की जरूरत ही न पड़े। फिर महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रचेताओं के पुत्र दक्ष राजा का चरित्र सुनाया। राजा दक्ष के 11,000 पुत्र हुए थे, बहुलास्व और हरियस्व नामक, लेकिन नारद जी महाराज ने उनको संसार से वैराग्य की बातें सुना करके 11,000 को ही साधु बना दिया, सन्यासी बना दिया। तब दक्ष राजा को बड़ा गुस्सा आया कि किसी गृहस्थी का एक बेटा भी साधु बन जाए, मां बाप का बड़ा दिल दुखता है, और यहां तो 11,000 को साधु बना दिया, घर खाली कर दिया हमारा। एक दिन नारद जी महाराज पधारे और नारद जी महाराज जब दक्ष राजा से मिले तो दक्ष ने नारद जी को खूब गालियां सुनाई। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाधु साकार्य भरकाणाम भिक्षु मार्ग प्रदर्शित हो। अरे असाधु कपटी, साधुओं जैसे कपड़े तो पहनता है, लेकिन तूने हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो अभी तक घर गृहस्थी का सुख भी नहीं चखा था और तूने उनको बाबा जी बना दिया। नारद जी प्रसन्न खड़े थे, कुछ भी नहीं बोले, तो दक्ष ने गुस्से में आकर के श्राप दे दिया। तस्मान लोकेशु ते मूढ़ भवेत प्रमतः पदम, मेरा श्राप है तेरा पग कहीं एक जगह टिकेगा नहीं, भटकते रहना दुनिया में, दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाएगा। नारद जी मन ही मन राजी हुए कि इन्होंने घूमने का श्राप दिया, बहुत बढ़िया किया, अगर बैठने का दे देते तो गजब हो जाता, एक जगह बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता, घूमते फिरते तो चल जाएगा। नारद जी वहां से चले गए। फिर दक्ष राजा के 60 कन्याएं हुई और दक्ष राजा ने उन कन्याओं का अलग अलग देवों के साथ विवाह किया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ, जिनको नक्षत्र कहते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका इत्यादि। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ। 10 कन्याएं धर्म को दी गई। इस तरह से महाराज कश्यप महाराज दक्ष राजा की बेटियों का अलग अलग जगह विवाह हुआ और दक्ष पुत्रियों के द्वारा ही ये सारी सृष्टि फिर मनुष्यों से भर जाती है। कश्यप ऋषि के साथ में जिन 13 कन्याओं का विवाह किया, उनमें से दो बड़ी प्रधान हैं, दीति और अदिति। दीति की संतान दैत्य कहलाए, अदिति की संतान आदित्य यानी देवता कहलाए। 12 आदित्य है, द्वादश आदित्य जिनको कहते हैं, अदिति की 12 पुत्र है, जिनमें से एक सूरज भगवान भी है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव भी अदिति के पुत्र है। अदिति मां के एक पुत्र है त्वष्टा नाम के, ये भी देवता है। इनका एक पुत्र हुआ विश्वरूप, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा ब्रह्मज्ञानी था, लेकिन विश्वरूप को एक बार देवताओं ने भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और कालांतर में देवताओं ने उनका वध कर दिया। क्यों कर दिया? परीक्षित राजा की पूछने पर सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज आए और बृहस्पति जी आए तब इंद्र के वहां नृत्य चल रहा था अप्सराओं का। इंद्र ने सामने भी नहीं देखा गुरु जी के, न प्रणाम किया न आदर किया, न आने का कहा न बैठने का कहा। गुरु जी समझ गए कि जानबूझ करके अपना मान घटाने में कोई फायदा नहीं, चलो यहां से।
बृहस्पति जी महाराज वहां से चले गए नाराज होकर के। अब देवराज को होश आया कि अरे राम राम, गुरुदेव रूठ गए, गुरु जी के घर मनाने गए लेकिन गुरुदेव वहां से अंतर्धान हो गए, मिले ही नहीं। कई दिनों तक गुरु जी नहीं मिले, ये समाचार मिल गया राक्षसों को। दैत्यों ने कहा देवताओं के गुरु जी रूठ गए, माने उनकी शक्ति तो गुरु में ही है, चलो अब आक्रमण करके देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लेते। और दैत्यों ने आक्रमण करके इंद्रादि सारे देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग खाली करवा दिया। अब तो महाराज देवता भटकते फिर रहे थे, ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, गलती तो तुमने करी गुरुदेव को नाराज करके, फिर भी हम तुमको उपाय बताते हैं कि तुम्हारे भाई हैं त्वष्टा, उनका बेटा महान ज्ञानी है, तुम उसको गुरु बना करके उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करो, वो तुम्हें बचने का उपाय बताएंगे। तब देवताओं ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप की शरण ली और विश्वरूप ने देवताओं को अपने काकाओं को नारायण कवच की विद्या दी। नारायण कवच की विद्या है भगवान के अलग अलग नामों से अपने शरीर की रक्षा, अपने देह के अलग अलग अंगों पर प्रभु के नाम विराजमान करके रक्षा करवाना। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र हो गए अजय, और इंद्र देवता ने दैत्यों पर आक्रमण किया, विजयी हो गए। फिर इंद्र देवता ने यज्ञ किया और यज्ञ में विश्वरूप तीन मस्तक से मंत्र बोलते थे, लेकिन दो मस्तक से जोर से बोल करके इंद्र के नाम की आहुति डालते, तीसरे मुंह से धीरे से बोल करके दैत्यों के नाम की आहुति डालते। कारण यह था कि विश्वरूप की ननिहाल थी दैत्यों के घर, दैत्यों की बहन दीति की पुत्री रचना जिसका विवाह हुआ था त्वष्टा के साथ में, तो मामा जी भी थोड़े खुश रहे इसलिए धीरे से उनके नाम का भी थोड़ा पुण्य बढ़ाने लगे। इंद्र को जब पता चला तो गुरु जी को खूब डांटा फटकारा समझाया, लेकिन गुरु जी ने यह काम बंद नहीं किया, फिर भी वैसे ही गुरु मामाओं के नाम की आहुति डालते रहे, तो क्रोध में आकर के इंद्र ने गुरु जी का मस्तक ही काट डाला। अब विश्वरूप की हत्या करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को चार भाग में बांट करके स्वयं ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। एक भाग समुद्र को दिया, एक वृक्षों को दिया, एक धरती को दिया, एक स्त्रियों को दिया, और इस तरह से इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हुए। लेकिन त्वष्टा नाम के देवता जिनका बेटा मारा गया है उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने कहा कि स्वार्थी देवता, मेरे ही भाई लोग, इन्होंने मेरे पुत्र का वध कर दिया, चलो मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा, ऐसे पुत्र को प्रकट करूंगा जो इन सारे देवताओं को मारेगा। और क्रोध में भर के उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, इंद्र के शत्रु जल्दी आओ। लेकिन गुस्से में कभी कभी मंत्र चूक भी जाते हैं, क्रोध में किसी का अनिष्ट करने के लिए मंत्रों में गड़बड़ी हो जाए तो फल में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि मंत्रों में तो शुद्धि चाहिए, एक अक्षर भी इधर से उधर हो गया तो अर्थ बदल गया। कहते ना हिंदी में तो एक बिंदी की गलती हो जाए तो भी अर्थ बदल जाता, एक एक अक्षर से भी, एक मात्रा से भी, एक बिंदी से भी अर्थ परिवर्तन हो जाता। कोई व्यक्ति यात्रा करके आए बद्रीनाथ जी की, अपने जीवन के लेख में लिखे कि हम एक बार बद्रीनाथ जाकर के आए थे, दर्शन करके आए थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ब के ऊपर भूल से बिंदी लग जाए क्या बन जाएगा? बद्रीनाथ हो जाएगा, जबकि है तो बद्रीनाथ लेकिन अर्थ ही बदल जाएगा। पढ़ने वाले सोचते रह जाएंगे कि बद्रीनाथ है कहां, हमने तो न कभी सुना न कभी देखा। तो ये त्वष्टा भी मंत्र बोल रहे हैं लेकिन गुस्से में बोल रहे हैं इसलिए मात्रा बदल गई। इंद्र के शत्रु को बुलाना था लेकिन इंद्र जिसका शत्रु है, इंद्र के हाथ से जो मरे, ऐसे पुत्र का प्राकट्य हुआ। महाराज वृत्रासुर नाम का बेटा प्रकट हुआ दैत्य के रूप में और रोजाना खूब बड़ा होता जाता है। पूछा पिताजी क्या सेवा करूं? बोले बेटा इन देवताओं को मारो। वृत्रासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया, थोड़े ही दिनों में सारे देवता भाग पड़े स्वर्ग छोड़ करके, इस महाकाल से कौन बचाए, सब डर के मारे अपने प्राण बचा बचा के भागते हैं। सारे देवताओं ने भगवान की शरण ली तो भगवान ने कहा देखो भाई तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, हम क्या करें, लेकिन अगर तुमको विजयी होना है तो
तुम्हें ऐसा कोई अस्त्र चाहिए जिसके प्रहार को कोई टाल न सके। ऐसा अस्त्र कहां से मिलेगा? पर धरती पर जाओ, वहां एक महात्मा, एक ऋषि रहते हैं ददीची नाम के। ददीची महाराज की अस्थियों से, उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उससे ये राक्षस मरेगा। और तब देवता लोग सब याचक बनकर के आए नैमिषारण्य तीर्थ में, जहां ऋषि ददीची विराजते हैं। उनसे प्रार्थना करी, महाराज संत तो परोपकारी होते हैं, आप तो महापुरुष हैं, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, कृपा करें, हम राक्षसों को मारना चाहते हैं, वृत्रासुर का वध करना चाहते हैं, आप अपनी अस्थियां दान में देवे। ददीची महाराज ने कहा कि भाई देह सबको अपना प्यारा होता, सबके देह परम प्रिय स्वामी, कौन देना चाहता है? लेकिन फिर भी आज देवता मेरे सामने मांगने आए हैं, तो मैं इनको खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा, पर एक इच्छा है, मैं सारे तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं, उसके बाद अपना शरीर दान करना चाहता हूं, देह दान होगा। अरे राम राम, ये सारे तीर्थों में स्नान करने जाएंगे तब तो बरसों बीत जाएंगे, तब तक ये दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ, हमारा तो एक दिन भी युग के समान निकल रहा। और तब देवताओं ने सारे तीर्थों का आवाहन किया, नैमिषारण्य में जहां ऋषि ददीची विराजे थे वहीं पर सारे तीर्थों ने आकर के उनको स्नान करवाया, एक जगह बैठे बैठे ही। फिर ऋषि ने अपनी अस्थियां दान दी और उन अस्थियों से विश्वकर्मा जी ने 3.5 अस्त्र बनाए। एक धनुष बनाया जो भगवान नारायण को दिया गया, नाम रखा गया सारंग धनुष। फिर दूसरा एक और धनुष बना जिसका नाम रखा पिनाक, भगवान शिव को दिया। फिर तीसरा एक और धनुष बना, इस धनुष का नाम रखा गांडीव, जो अग्निदेव के पास में था और उन्होंने अर्जुन को दिया। और महाराज आधा अस्त्र बना इंद्र का वज्र। इस तरह से ये 3.5 अस्त्र बने उन अस्थियों के द्वारा, उन हड्डियों के द्वारा। इंद्र वही वज्र लेकर के युद्ध करने गए वृत्रासुर के सामने। वज्र को देखते ही वृत्रासुर समझ गया कि यह तो मेरी मृत्यु है, लेकिन अंत समय में उसने वज्र में भगवान नारायण का दर्शन करते हुए स्तुति करी, प्रभु मरना तो है मुझे, लेकिन मरने से पहले नाथ कुछ प्रार्थना है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरे तासु पतेर गुणांस्ते गणित वाक कर्म करो तु कायः। हे हरि, हे प्रभो, मैं आपका दास बनूं कि न बनूं, लेकिन आपके जो दास बन गए मैं उन भक्तों का दास बन जाऊं, दासानुदास बन जाऊं, दास अनुदास, दास का दास, और मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, सदा आपकी भक्ति करता रहे। इसके अलावा महाराज ना मुझे नाक पृष्ठम न पारमेष्ट्यम, न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न धरती पर राज चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहीय कांक्षे हे प्रभु, हम आपकी विरह की आकांक्षा करते हैं। विरह माने भगवान की याद में तड़पना, भगवान के लिए आंसू बहाना, भगवान को पल पल पुकारना, याद करना। हमको ऐसी स्थिति चाहिए कि हम हर समय आपको पुकारें। ये भक्तों का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। किसी भगत से पूछो कि तुम भगवान से, भगवान का दर्शन चाहता हो, चाहते हो कि भगवान की विरह चाहते हो, तो भक्त क्या जवाब देता है? दर्शन तो जब उनकी इच्छा होगी तो दे देंगे, हमको तो भगवान की विरह चाहिए, हमको भगवान की विरह में अश्रु बहाना है, उनके लिए रोना है। क्यों भाई? अरे दर्शन तो आज हो जाएंगे भगवान चाहेंगे तो, लेकिन हम दर्शन के लिए पात्र हैं कि नहीं? अगर पात्र नहीं है तो परमात्मा सामने खड़ा हो तो भी भगवान का महत्व नहीं होगा, दुनिया का ही महत्व समझ में आएगा। पात्रता अगर जीवन में आ गई, विरह में भगवान के लिए रोते रोते रोते, परमात्मा के लिए आंसू बहाते बहाते अंदर से इतने पवित्र हो जाएंगे कि अब भगवान के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, ऐसा भाव भीतर में आ जाता है। ये भगवान के लिए बहने वाले आंसू क्या है? आपके अनंत जन्मों के पापों को धोकर के आंखों से साफ करता है, निकालता है बाहर।
तो ये वृत्रासुर भगवान की विरह की याचना करता है कि प्रभु हम आपकी विरह चाहते हैं। और फिर जब ऐसी पवित्र बुद्धि देखी तो इंद्र भी चकित रह गया, अरे राम राम, इस राक्षस के मन में ऐसी बढ़िया भावना, अहो दानव सिद्धोषी यस्य मतिरुद्रशी, अरे दानव तू तो महाभाग्यशाली भाई, अंत समय में तू भगवान को इतना प्रेम से पुकार रहा, राक्षस होकर के भी इतना भक्त। लेकिन वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र अब हमारी प्रशंसा न करो, हमसे युद्ध करो। और वृत्रासुर से युद्ध हुआ, 12 महीने तक लड़ाई लड़ने के बाद वृत्रासुर को इंद्र ने मारा। और वृत्रासुर को मारा तो वृत्रासुर की मारने से फिर से इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और देवताओं ने एक यज्ञ करवा करके, अनुष्ठान करवा करके इंद्र को ब्रह्महत्या से मुक्त किया। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से, गुरुदेव यह ऐसा पापी राक्षस वृत्रासुर और अंत समय में भगवान की ऐसी याद आ गई जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं आती है, कैसे आ गई महाराज? और तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये वृत्रासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी, अनेक रानियां होने के बाद भी कोई बेटा नहीं हुआ। अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ, अंगिरा ऋषि से जबरदस्ती प्रार्थना करके कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। अंगिरा ऋषि ने कहा कि बेटा तो हो जाएगा, लेकिन बेटे दो तरह के होते, एक बेटा होता है सपूत और दूसरा होता है कपूत, कौन सा वाला चाहिए? बोले सपूत चाहिए महाराज। देखो सपूत मिलेगा तो थोड़े ही दिनों में मर जाएगा और कपूत होगा तो जिंदगी भर छाती पे मूंग दलेगा, कौन सा वाला चाहिए? सपूत ही चाहिए महाराज। अब तो महाराज वृत्रासुर महाराज चित्रकेतु के घर बेटा तो हुआ ऋषि के आशीर्वाद से, लेकिन जिस रानी के बेटा हुआ दूसरी रानियों का मान सम्मान कम हो गया, राजा उसी रानी को प्रेम और सम्मान देने लगा, ईर्ष्यावश दूसरी रानियों ने उस बेटे को जहर देकर के मार दिया। जब वो पुत्र मर गया तो वृत्रासुर बहुत व्याकुल होकर के रोने लगा। देवऋषि नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि फिर से आए और उन्होंने समझाया, राजन घर में कोई भी रिश्तेदार बनकर के आ रहा है, बेटा बनकर के आ रहा है, बहन बनकर के, भाई बनकर के, पिता बनकर के, माता बनकर के जो आए हैं, इन जीवों का हमारा पूर्व जन्म का कुछ लेना देना बाकी है, वो चुकाने के लिए आते हैं। बेटे भी 4 तरह के होते हैं, एक होता है सेवक पुत्र, आपने पिछले जन्म में किसी की बहुत सेवा करी है और वो अपने सेवा का फल देने के लिए माने वो ऋण चुकाने के लिए आ रहा है, माँ बाप का भक्त बनकर के खूब सेवा करता है, माता पिता को हथेली में रखता है, वो है सेवक पुत्र, अपने ही कर्म हमको फल देने के लिए आए बेटे के रूप में। एक होता है शत्रु पुत्र, आपने किसी का खूब अहित किया है, किसी को खूब सताया है, वो उस जन्म में तो बदला नहीं ले सका लेकिन इस बार बेटा बन के आ गया, अब माँ बाप से धन भी ले लिया, माँ बाप से सब कुछ ले लिया, लेकिन माँ बाप को खूब परेशान करता है, माता पिता आंसू बहाते रहते हैं, न किसी को कह पाए न उसको सह पाए, वो शत्रुता ही आपका कर्म आपका बेटा बन करके घर आया है फल देने के लिए। एक उदासीन पुत्र होता है जो माता पिता का ना भला करता है ना बुरा करता है, और एक ऋणानुबंधी होता है, कुछ लेना देना बाकी बचा हुआ है, तो कुछ देने आते हैं कुछ लेने आते हैं। यहां चित्रकेतु को नारद जी ने समझाया, फिर शेष तोषिणी विद्या प्रदान करी, 7 दिन तक अनुष्ठान करने से चित्रकेतु को भगवान शेष नारायण का दर्शन हुआ और शेष नारायण ने उनको विद्याधर बना करके एक विमान दिया। विमान में बैठ करके ये विद्याधर चित्रकेतु एक दिन कैलाश में गया, वहां भगवान शिव ऋषियों की मंडली में बैठे हैं गणों के सामने और पार्वती जी को गोद में लेकर के बैठे। चित्रकेतु ने ये दृश्य देखा तो शंकर भगवान को खूब सारी गालियां दे दी, देखो रे ये महादेव बना बैठा, लेकिन इतना ही होश नहीं है कि पत्नी को पड़ोस में बिठाए कि गोद में बिठाए, इतना ही ज्ञान नहीं, विवेक ही नहीं। शंकर भगवान तो समझ गए कि बच्चा है बेचारा भोला भाला, इसको क्या समझ है, ये हमारे स्वरूप को जानता ही नहीं। लेकिन पार्वती माने का रे दुष्ट, माता पिता के प्रति दुर्भाव रखता है,
जा मेरा श्राप है तू असुर बन जा, ये दैत्य बुद्धि है, राक्षस बुद्धि है, जा राक्षस बन जा। और वही विद्याधर चित्र केतु पार्वती मां के श्राप से ये वृत्रासुर नाम का दैत्य बनकर के आया। आज जीवन भर तो वो दैत्य बनकर के रहा, लेकिन अंतिम समय में वो पिछले जन्म की साधना ने अपना प्रभाव बल दिखाया और फिर से भगवान की स्मृति लौट आई और भगवान को याद करते करते मरा, मुक्ति को प्राप्त कर गया। एक अध्याय में दीति ने पुंसवन व्रत धारण किया और जिससे उसके पुत्र मरुदगण बने। जो 49 मरुत है ना, सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनमें दोहा आता है सुंदरकांड का 25वां दोहा, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लागे आकाश। ये 49 मरुतगण पवन के प्रकार है 49, और ये सब दीति के पुत्र होते हुए भी देवता बने ये पुंसवन व्रत के प्रभाव से। यहां सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती है, ये भगवान इतने पक्षपाती क्यों? कैसे भाई, भगवान ने क्या पक्षपात किया? अरे महाराज, भगवान ने पक्षपात नहीं किया, देवताओं को बिचारों को मरवा देते हैं, देवताओं की बार बार रक्षा करते हैं। और तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भगवान की करणी में भले भेद दिखे, लेकिन भगवान की करुणा में भेद नहीं होता। जिनको मारते हैं उनको भी तारते हैं, और जिनकी रक्षा करते हैं उनको भी तारते हैं। भाई रावण को मारा और विभीषण को बचाया, दोनों में से ज्यादा कृपा किस पर हुई? विभीषण को सोने की लंका मिली और रावण को राम जी का धाम मिला, तो ज्यादा तो रावण पर कृपा हुई। इसलिए तुम्हारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निसंक, खीजे दीनो परम पद रीजे दीनो लंक। ठाकुर जी की सरकार तो अंधाधुंध चल रही, क्योंकि जिस पर नाराज हो गए अपना परम पद दे दिया, जिस पर राजी हो जाए उसको लंका देता। तो भगवान की भक्ति कैसे भी, कोई भी भाव का अतिरेक जब भगवान में हो जाता है तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। काम से, भय से, द्वेष से, भाव से, रिश्ते से, भक्ति से, कैसे भी भगवान को याद करें तो भगवान कृपा ही करते हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् च इत्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभुः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यही प्रश्न तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद जी महाराज से, जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुई। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि महाराज, ये पापी भगवान को गालियां दे रहा था लेकिन मरने के बाद भगवान में मिल गया, ये तो महा आश्चर्य है। तब नारद जी ने कहा कि देख भाई युधिष्ठिर, कोई भी भाव से भगवान को बहुत याद किया जाए तो फल वही मिलता है। गोपियों ने काम भावना से भगवान को भजा, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। कंस ने भय के कारण भगवान को याद किया कि वो मेरा काल है, कन्हैया मेरा काल है, कन्हैया मेरा काल है, बार बार याद किया तो उसकी मुक्ति हो गई। शिशुपाल ने द्वेष से भगवान को याद किया कि वो ही है दुनिया में मेरा दुश्मन, तो उसका भी उद्धार हो गया। संबंधात कृष्णयः, ये यदुवंशी लोग सब रिश्ते के कारण, ये कन्हैया हमारे पिताजी लगते हैं, ये हमारे काका जी लगते हैं, ये हमारे ताऊ जी लगते हैं, इस नाते याद करते हैं, तो उनका भी उद्धार हो गया। और स्नेहात यूयम, तुम लोग प्रेम के कारण कर रहे, पांडव सब भगवान को प्रेम से, प्रेम के कारण याद कर रहे। और नारद जी कहते, भक्त्या वयम, भक्ति के कारण हमारे जैसे महात्मा लोग भी इनको भजते हैं। जिस भी भाव से भगवान को याद करो, भगवान उस जीव का उद्धार ही करते हैं, उस जीव पर कृपा ही करते हैं, कैसे भी भगवान याद आते रहे। अरे भाई, भगवान को हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने तो दुश्मन के रूप में ही याद किया था, और शत्रु के रूप में स्मरण किया तो भी उनका उद्धार कर दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया वराह रूप में, महाराज ये तो मुझे याद है, युधिष्ठिर जी कहते हैं, लेकिन भगवान ने हिरण्यकश्यप का कैसे उद्धार किया, आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। और तब
पूरा हिरण्यकश्यप का चरित्र सुनाते हुए, प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हुए नारद जी सुनाते हैं कि राजन, जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने वराह अवतार लेकर के, तब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। पर परिवार को सांत्वना दे करके समझा करके सोचा, इस दुनिया में हमारा शत्रु एक है नारायण, हम उसको मार देंगे। पर मन में विचार आया कि उसको मारने के लिए तो पहले स्वयं को अमरता का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि हम नहीं मरेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ही मर जाएं, पहले तपस्या करके हम अमर बन जाते। हिरण्यकश्यप ने 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने आकर के वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा, विधाता हमको अमर बना दो। अमर बना दो भाई, अमर तो हम खुद भी नहीं है, तुम्हें कैसे बना दे? क्योंकि ब्रह्मा जी की भी अपनी एक उम्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं कालांतर में प्रलय जब आता है तो मुझे भी मरना पड़ता है, तो मैं तुझे अमर करके कैसे जा सकता हूं? ये अधिकार तो हमारे पास नहीं है, और कुछ मांग लो। अमरता के अतिरिक्त कुछ भी मांगेगा तो हिरण्यकश्यप मैं तुझे दूंगा। और तब हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं घर में न मरूं, बाहर भी न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, विष से न मरूं, किसी जीव जंतु के काटने से न मरूं, देवता न मारे, दैत्य न मारे, मनुष्य न मारे। और मांगते मांगते ऐसा बोल गया कि आपकी सृष्टि का बनाया हुआ कोई भी व्यक्ति मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने सभी वरदानों में कह दिया तथास्तु, 12 महीने में न मरूं तथास्तु, सब में तथास्तु लेकर के हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया कि वाह हम तो हो गए अमर। जो हमने एक ही शब्द में मांगा था कि अमरता दो, और वह अमरता नहीं मिली, लेकिन इतने घुमा फिरा करके वरदान में अमरता ही तो मिली। घर चला आया, लेकिन हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हैं, कयादु के 4 पुत्र है। चारों में सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्त है। जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए श्री प्रहलाद जी महाराज को भेजा, शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु है और उनका एक विद्यालय चलता है हिरण्यकश्यप की राजधानी में, दैत्य गुरु शुक्राचार्य विद्यालय। और उस गुरुकुल में पढ़ाने वाले 2 अध्यापक है, 2 गुरु, जिनका नाम है संड और अमरक। ये संड अमरक दोनों आसुरी विद्याओं का अध्ययन करवाते हैं, पढ़ाते हैं। एक बार प्रहलाद जी महाराज वहां पढ़ रहे हैं, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए गया। और मित्र जब पुत्र से मिलने गया तो बेटे को गोद में बिठा करके कहा कि पुत्र बताओ आपने गुरुकुल में सबसे बढ़िया क्या पढ़ा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी जो सबसे बढ़िया पढ़ा है वो ही बता मैं। हाँ वही बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे बढ़िया बात तो यह है कि गृहस्थ जीवन एक अंधा कुआ है, इस कुएं में से बाहर निकल करके भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, इसी में आपका कल्याण है। ए प्रहलाद जी के सखा लोग आए सब भगवान का कीर्तन करने के लिए। अब तो महाराज सारे प्रहलाद जी के जो सखा है वो भी देख रहे हैं कि प्रहलाद ने क्या बताया, ये तो गुरु जी ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई, मन में विचार किया ये तो बच्चा है, इसकी क्या गलती? गलती तो है इसको पढ़ाने वाले गुरुओं की। गुरु जी इधर आ। गुरु जी के कान खड़े हो गए, ये भगवान ये दुष्ट पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन गुरु जी को पास बुला करके कहा कि बेटे को तुमने ये पढ़ाया? मेरा बेटा मुझे ही कह रहा है कि गृहस्थी अंधा कुआ है, बाहर निकल करके भगवान की भक्ति करो। ये कौन से भगवान की भक्ति करवाना? मैं सबको मना करता हूं भगवान की भक्ति के लिए, मेरा अपना बेटा भक्ति करने की बात करता है। गुरु जी ने कहा महाराज क्षमा करें, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ाया गुरुकुल में, ये तो पाठ्यक्रम ही नहीं। हमारे यहां तो आपने जो निर्धारण कर रखा है कि यह पाठ्यक्रम है, इस तरह का पाठ पढ़ना है, यही पढ़ाना है, आपने कह दिया ग माने गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है, ग माने गधा पढ़ाओ, तो हमने गधा शुरू कर दिया हमारा। लेकिन हमने आपकी बताई हुई विद्या ही पढ़ाई है, ये जो प्रहलाद बोल रहा है हमने नहीं पढ़ाया महाराज। अच्छा
अच्छा ठीक ढंग से सावधानी पूर्वक, हमें लगता है कोई शत्रु आकर के बच्चे की बुद्धि को बहला रहा है, सावधानी से पढ़ाना। हिरण्यकश्यपु छोड़ करके चले गए, गुरुजी ने पास बुला करके प्रहलाद जी के माथे पे हाथ फेर के पूछा, बेटा सच बताना, ये दैत्य बंद में ये सुंदर सा चंदन वन है दैत्यों का, उसमें तू कांटा कहां से पैदा हुआ? उल्टी सीधी बातें करता। वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्य कथा मां मृषा, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। दैत्य चंदन वने जातो एम कंटक द्रुम, ये कांटों का पेड़ कहां से आया? तो भाई प्रहलाद जी ने सोचा कि गुरु जी को समझाने से कोई फायदा नहीं, इनकी बुद्धि बहुत खराब हो चुकी। अब महाराज प्रहलाद जी ने गुरु जी को तो कुछ नहीं बताया, थोड़े दिनों बाद में छुट्टियां पड़ी, और जैसे अभी विंटर वेकेशन चल रहा सर्दी की छुट्टियां, ऐसे ही छुट्टियां पड़ी तो महाराज साहब बच्चे अपने अपने घर गए, प्रहलाद जी भी अपने घर गए। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके हिरण्यकश्यपु प्रेम से पूछता है, मेरा बेटा इस बार क्या पाठ पढ़ के आया? गुरुजी छोड़ने आए थे घर पर, गुरुजी सोच रहे पता नहीं ये कौन सा पाठ सुना दे, जो हमने पढ़ाया वही सुनाना भाई। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी जो सबसे बढ़िया पाठ लगा वो सुनाऊं? बोले हाँ, इस बार मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अच्छा 9 याद कर लिए? बोले हाँ, सुनाओ बेटा। और प्रहलाद जी ने 9 पाठ सुनाने प्रारंभ किए। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का सुमिरण करो, भगवान के चरणों में प्रणाम करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान का दास बनो, भगवान को ही अपना मित्र समझो, पर अपना सर्वस्व भगवान को ही सौंप दो। पिताजी यह है 9 प्रकार की भगवान की परम भक्ति, नवदा भक्ति। जैसे ही प्रहलाद जी ने ऐसा बोला, प्रहलाद जी को तो हिरण्यकश्यपु ने उतारा गोदी से नीचे और आंखें निकाली गुरु जी की तरफ, ये पढ़ाया आपने हमारे बेटे को? गुरु जी ने सोचा ने सब गड़बड़ हो, हाथ जोड़ करके कहा कि महाशय दैत्यराज ध्यान से सुने, आपके बेटे को न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, क्योंकि इस बार हम पूरी सावधानी से ध्यान रख रहे थे कि इसका माइंड वॉश कौन कर रहा। न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, हमें तो लगता है जन्म से पढ़ा पढ़ाया आया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमारा पढ़ाया हुआ है न किसी और का पढ़ाया हुआ। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु समझ गया कि ये हमारा बेटा नहीं है, हमारे घर में हमारा काल आया जो मेरे विचारों का मेरे सिद्धांतों का विरोध करके भगवान नारायण का प्रचार कर रहा मेरे घर में। शरीर के किसी अंग में रोग लग जाए तो उस अंग को ही काट देना चाहिए, नहीं तो वो सारा रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने तय किया कि भले हमारा बेटा ही क्यों ना हो, प्रहलाद को मार करके हम निकाल देंगे। और प्रहलाद जी को मारने के लिए दैत्यों को आदेश दिया कि मार डालो इसको। दैत्य लोग मारने के लिए गए, पर महाराज जो भी शस्त्र चलावे उस शस्त्र की धार चली जाती है, फूल जैसा हल्का होकर के प्रहलाद पर पड़ता। ऐसे नहीं मरे तो प्रहलाद जी को मारने के लिए दैत्यों ने ऊंचे आकाश में ले जाकर के नीचे पटका तो धरती माता ने झेल लिया। फिर प्रहलाद जी को सागर में डुबाया तो कमल के ऊपर आकर के बाहर आ गए। अंधे कुएं में डाला तो प्रभु नारायण ने प्रकट होकर के बाहर निकाल दिया। सांप बिच्छुओं की कोठरी में डाला तो वो जहरीले विषैले जीव भी उनसे प्रेम करते हैं। भूखे सिंह के पिंजरे में डाला तो सिंह भी उनसे मित्रता करता। हाथी के पांव तले कुचलवाना चाहा, हाथी ने सूंड पर बिठा करके अपने माथे बिठा लिया। और जब सब तरह से प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई, अब तो महाराज प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका, उसने कहा भैया हमको ऐसा वरदान मिला है महादेव जी का, अग्नि स्नान करती हूं मैं, आग से तो सब जल जाता है लेकिन मैं बचती हूं, तेरे पुत्र को मेरी गोद में बिठा दे, ये जल जाएगा मैं बच जाऊंगी। बुआ जी में इस भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद जी को, और आग लगवाई चारों तरफ वो विशाल लकड़ियों से। सुबह से शाम तक आग जलती रही, सांझ हुई और शाम को जब हिरण्यकश्यपु आदि सब इंतजार कर रहे हैं कि अब होलिका नाचती हुई बाहर आएगी,
आज प्रहलाद का अंत हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में देखा होलिका की तो हड्डी भी नहीं बची, प्रहलाद का बाल भी नहीं जला। भगवान का कीर्तन करते हुए प्रहलाद बाहर आ गए और तब से ये होली का पर्व भक्त विजय के रूप में मनाया जाने लगा। होली क्या है? दीपावली भगवान का त्योहार है और होली भक्त का त्योहार है। दीपावली को भगवान श्री राम घर पधारे वनवास से, इसलिए दीपावली है। और होली के दिन प्रहलाद की विजय हुई है, भक्त की विजय का उत्सव है, इसलिए भगवान इसको बड़े आनंद से मनाते हैं। हम लोग देखते हैं वृंदावन की होली बड़ी प्रसिद्ध है, कन्हैया बहुत होली खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक भक्त का उद्धार का, भक्त पर कृपा का त्योहार है और भक्त विजय की गाथा को भगवान भी गाते हैं। लेकिन होली को भी दो तरह से मनाया जाता है, एक भक्तों की तरह एक असुरों की तरह। होलिका नहीं मिली तो असुर भी तो राख उड़ा उड़ा के होलिका को ढूंढ रहे थे। आज भी कुछ लोग ऐसी परंपरा के हैं जो होली के दिन पी करके नाली में पड़े रहते, तो समझ लो कि वो हिरण्यकश्यपु की सेना का कोई सैनिक है, अब भी होलिका को ढूंढने के लिए पड़ा है। लेकिन दूसरे प्रेम से पुष्प दे करके, रंग का तिलक लगा करके, कीर्तन करके, ये जो एक मर्यादा पूर्वक होली मनाई जाती है, ये हमारी भक्तों का त्योहार है, ये प्रहलाद के मित्रों का त्योहार है। होलिका के जलने पर हिरण्यकश्यपु बहुत टूट गया, लगा कि अब इस प्रहलाद को कैसे मारूं। और तब संडमर्क गुरुजी आए, कहा कि महाराज दैत्यराज, हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज बाहर गए हुए हैं, थोड़े दिनों में वापस आने वाले हैं, तब तक आप एक काम करो, इस बच्चे को आप गुरुकुल में भेज दो, जैसे तैसे करके हम समय पार करवा लेंगे और गुरुजी जब शुक्राचार्य जी आएंगे तब उपाय बता देंगे कि इसका क्या करना है, मारना है कि छोड़ना है, और मरेगा तो कैसे मरेगा। हिरण्यकश्यप को ये उपाय अच्छा लगा और उसने प्रहलाद जी को फिर से गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद जी गुरुकुल में गए, अब गुरुकुल के सारे बच्चों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। गुरु जी तो गए थे थोड़ी थोड़ी छुट्टी मनाने और बच्चों ने प्रहलाद जी से आकर के पूछा कि भक्त प्रहलाद भाई, हम तेरे मित्र हैं, हमसे झूठ मत बोलना, ये सारे दैत्य तुझे मारने के इतने प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी तू मरता क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान मेरी रक्षा करते। अच्छा, तेरे भगवान रक्षा करते, तो तेरे भगवान का अगर हम भी भजन करें तो हमारी भी रक्षा करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, वो तो भजने वालों की सबकी रक्षा करते, मैंने कोई भगवान को खरीद थोड़ा ही लिया जो मेरी रक्षा करे, सबकी करते हैं वो तो। अच्छा भाई प्रहलाद, हमने तो सुना है कि भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, अभी तो जवानी है, बचपना है, अभी क्या भक्ति। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा, ये कोई गारंटी कार्ड लेकर के आए साथ में? बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है, पहले भी तो जा सकते हैं। इसलिए समझदार वो है जिस दिन विवेक जाग जाए उसी दिन से भक्ति में लग जाए। प्रहलाद जी का उपदेश है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थम। कौमारम आचरित प्राज्ञो, समझदार व्यक्ति तो कुमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लग जाता है। जिसको जिस दिन विवेक जाग जाए उसी दिन से वो भक्ति में लग जाए, किसी अच्छे दिन का इंतजार न करे कि बुढ़ापा आएगा तो ही भक्ति करेंगे। भाई बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बुढ़ापे में भक्ति होगी कि नहीं होगी पता नहीं, ये तो टालने के बहाने हैं। कोई कहे कथा सुनो, भगवान की भक्ति करो, माला फेरो, तो लोग कहते हैं महाराज अभी तो बहुत व्यस्त है, मरने का भी टाइम नहीं है, बस आप चिंता न करो, थोड़े दिनों में बेटे की शादी हो जाएगी, बहुरानी घर में आ जाएगी, घर का काम वो संभाल लेगी, दुकान का काम बेटा संभाल लेगा, हम तो व्यापार से घर से दोनों जगह से फ्री, पति पत्नी दोनों बैठ करके भाव से कथाई सुनेंगे, भगवान की माला फेरेंगे, आश्रम का एड्रेस दे जाना, वहां आकर के भक्ति करेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? बहुरानी आ गई तो फिर अब एक पोता हो जाए उसका मुंह देख ले तो बढ़िया, वो हो गया तो फिर उसको खिलाने में समय बीत जाता है, वो बड़ा हो गया उसके भी बहुरानी आ गई, अब महाराज थोड़ा सोने की सीढ़ी चढ़ जावे, परपोता हो जाए उसके बाद बस बहुत है। और वह स्थिति आती है तब तक तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि माला पकड़ने जैसी हाथ में हिम्मत नहीं रहती है, गले से राम राम बोले तो राम राम निकलता है, क्योंकि महाराज मुंह में दांत नहीं रहे, पेट में आंत नहीं रही,
अरे ठाकुर जी को मंदिर में जाकर के हम कोई सड़ा हुआ फूल थोड़ा ही देते हैं, एकदम खिला हुआ बढ़िया सा पुष्प देते हैं। तो फिर ये शरीर रूपी पुष्प ही जब तक खिला हुआ है तब तक भगवान को अर्पण करें कि बुढ़ापे में पूरा झुर्रियां पड़ जाए, अब तो गिरने वाला है, तब भगवान को चढ़ा दो, लो भगवान तेरा। हमारे संत लोग कहते बालपणा में दड़िया रमिया जवानी हड़ा आखियो, बुढ़ापा में राम जी थोड़ो थारो ही मन राखियो। ऐसी भक्ति किस काम की भाई। तो वास्तव में भक्ति करें तो महाराज बचपन से ही कुमार अवस्था से ही, किसी इस दिन का इंतजार न करें कि एक अवस्था आएगी तब हम भक्ति करेंगे। मौका दिया है भगवान ने, प्रहलाद जी का उपदेश है, भक्त राज कह रहा है कौमारम आचरेत प्राज्ञः, धर्म का आचरण तो कुमार अवस्था से ही किया जाता। सारे बच्चों ने कहा प्रहलाद जी आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है, हमारा भी मन करता है कि हम भक्ति करें, लेकिन प्रहलाद जैसे ही भगवान का नाम जीभ पर आवे उससे पहले आंखों के सामने तुम्हारे बाप की शक्ल दिखती है, वो दुष्ट आदमी किसी दिन नाम लेते देख ले तो मार डालता है। प्रहलाद जी ने कहा मैं उनके घर में बैठ के राम राम करता हूं, मुझे तो नहीं मारा तुमको कैसे मार देंगे। अरे मैं बैठा ना, नाम ले तुम। बच्चों ने कहा सच में रक्षा हो जाएगी। अरे मेरा भगवान रक्षा करेगा। तो बच्चों ने सोचा कि आज का मौका बहुत बढ़िया है, अरे प्रहलाद जी के सारे मित्र भगवान के नाम का सुमिरन करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मजमन नारायण नारायण कीर्तन को दोहराए जा रहे हैं। प्रहलाद जी ने सोचा रे भगवान के नाम से आज हमारी नगरी को पवित्र कर देते हैं, और प्रहलाद जी निकले विद्यालय से बाहर, पीछे पीछे बच्चे भी स्कूल से आ गए बाहर, और आज हिरण्यकश्यपु की नगरी की गली गली में एक ही ध्वनि गूंज रही है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जिस नाम को लेना पूरी दुनिया में पाबंद है, मना किया हुआ है, वो हिरण्यकश्यपु की नगरी में सारे स्कूल वाले बच्चे एक ही नाम कीर्तन गा रहे हैं। माता पिता ने सोचा कि दूसरे डूबे तो डूबे, अपने बच्चों को तो बचाओ, हिरण्यकश्यपु की नजर पड़ गई तो मार डालेगा। और हर घर से माता पिता आकर के अपने अपने बच्चे का रोकना चाहते कि तुम मत गाओ, लेकिन आज भगवान की भक्ति का ऐसा प्रताप था जो भी उन बच्चों को हाथ लगावे वो भी गाने लग जावे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नगर के बालक भी, नगर के नागरिक भी, नगर की नारियां भी, सब कीर्तन कर रहे।
ये आका ये नाम ध्वनि हिरण्यकशिपु के महल तक गई, आंखें लाल हो गई। कौन आया यहाँ कीर्तन करते हुए? सेवकों से कहा कि जल्दी जाकर के दंड दो। और राक्षस तो उतावले रहते थे ऐसा काम करने के लिए। वो पापी दैत्य हाथ में भाले लेकर के भागते हुए आए, लेकिन आज जैसे ही देखा कि अपने वाले बच्चे ही गा रहे, और जैसे ही उनको हाथ लगा के चुप करवाते हैं तो वो भी गाने लग जाते। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पापी देवियों के मुंह से भी नाम संकीर्तन निकलने लगा। हिरण्यकश्यपु को लगा कि जो भी जा रहा आ नहीं रहा है और आवाज बढ़ती जा रही। क्रोध में आग बबूला होकर के हिरण्यकश्यपु स्वयं हाथ में गदा लेकर के भागता हुआ आया, हाथ में तलवार उठा रखी। जैसे ही देखा कि आज तो पूरा गांव ही भक्ति में, अरे राम राम राम, हमको पता ही था ये भक्ति नाम की बीमारी ऐसी है कि किसी एक को लग जाए तो थोड़े दिनों में पूरा गांव भगत बन जाता है। ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। एक कोई तिलकधारी माला वाला नाम कीर्तन करने वाला कथाकार आ जाए तो थोड़े दिनों में गांव के सब लोग भक्ति में झूमने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि सबसे बड़ा उत्पात सारा पाप मेरे बेटे का ही है। तुरंत भाग करके उसके सामने गए प्रहलाद जी के सामने। और इतने में महाराज सारे बच्चों ने जैसे ही हिरण्यकश्यपु को देखा तो सब अपने आप चुप हो गए। महाराज सारे बच्चे शांत। प्रहलाद जी के सामने इशारा करके देखा कि वो आ गए। प्रहलाद जी ने पिताजी के सामने देख करके मुस्कुराए। ऐसे ही प्रहलाद जी मुस्कुराए तो हिरण्यकश्यपु ने निकाली गालियां बहुत सारी। हे दुर्विनीत मंदात्म कुल भेद करादम, हे अधम पापी कुल भेदी दुर्विनीत। हिरण्यकश्यपु ने सैकड़ों गालियां निकाली प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहा कि तो जिस नारायण का नाम ले रहा है कहां है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उनको देखने के लिए आंखों में क्रोध नहीं प्रेम चाहिए। मेरा नारायण मेरा परमात्मा सब जगह है, लेकिन उसके दर्शन के लिए क्रोध की लाल लाल आंखें नहीं प्रेम की अश्रु बहाती आंखें चाहिए, वो दिख जाता है। कहा नहीं है वो तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, सब जगह है। अरे अब कर सब जगह है तो मुझसे छुपता क्यों फिरता है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? मैं तो उसके लोग बैंकुट में भी जाके आया, वहां भी नहीं मिला वो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपने अपने अंदर नहीं देखा, वो यहां भी बैठा है। मुझ में राम तुम में राम खड़ग में राम खंभ बनी जे, सब जगह वो है। मेरे भीतर भी है आपके भीतर भी है, चेतन प्राणियों में तो है ही, लेकिन आपकी तलवार जो जड़ है उसमें भी मेरा राम है, और आपके घर का जो खंबा पत्थर का है इसमें भी मेरे भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने गुस्से में भर के कहा कि मेरे खंबे में छुपा तेरा भगवान, अभी तोड़ता हूं बाहर निकलता कि नहीं देखता। और प्रहलाद के सामने जैसे हिरण्यकश्यपु ने एक खंबे पर चोट मारी और तत्काल भगवान नरसिंह प्रकट होकर के आए। भाव से जयकार, श्री नरसिंह भगवान की जय। एक बार तो हिरण्यकश्यपु भगवान नरसिंह को देख करके घबरा गया कि ये कौन आ गया। लेकिन महाराज फिर मन में विचार किया कि मुझे तो मार कोई नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है मैं किसी के द्वारा मरने वाला नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे सारी दुनिया में ढूंढा लेकिन तू मेरे ही घर में छुपा हुआ था, चल अच्छा हुआ आज बाहर निकला, अब तेरे साथ युद्ध होता है। वाह महाराज मारने की बड़ी जल्दी ठाकुर जी को, भक्तों को कष्ट देने वालों को तो बहुत जल्दी ही नहीं पेट देते, पूरा कर ही देते हैं। और महाराज बोलो राम। हाँ थोड़ा कथा का ध्यान भी देना साथ साथ में भाई। प्रहलाद जी महाराज अपने नारायण को देख करके परम प्रसन्न है,
लेकिन भगवान हिरण्यकश्यप पर बड़े हिरण्यकश्यप के ऊपर बड़े क्रोधित है और क्रोध के मारे भगवान ने हिरण्यकश्यप को दिन भर तो लड़ते रहे लेकिन सांझ हुई तो अपनी गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया, मैं नहीं मर सकता, क्यों? बोले न घर में मरूंगा न बाहर। भगवान ने कहा दहेली पर है, न घर में है न बाहर, न धरती पर मरूंगा न आकाश में। भगवान ने कहा मेरी गोद में है, न धरती पर न आकाश में। हिरण्यकश्यप बोला महाराज न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा संध्या हो रही है, न दिन है न रात, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखून दिखाए कि यह न अस्त्र है न शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला मैं 12 महीने में नहीं मरता हूं। भगवान ने कहा अधिक मास चल रहा, 13वां महीना पुरुषोत्तम, ये 13वां महीना। हिरण्यकश्यप बोला महाराज फिर भी मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से नहीं मरता हूं। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा का बनाया नहीं हूं, ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ है। ब्रह्मा को हमने बनाया, हमको ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ऐसे सारे वरदान मिथ्या करके भगवान ने हिरण्यकश्यप के उदर में अपने नाखून डाले और उसकी हाथें खींच करके निकाली, बाहर निकाल करके अपने गले में धारण कर ली। हिरण्यकश्यप का वध हुआ, सारे देवताओं ने भगवान का जयकार किया। श्री नरसिंह भगवान की। लेकिन अब सारे देवता स्तुति करने आए, भगवान को देख करके भाग पड़े चारों तरफ, क्योंकि ठाकुर जी का इतना गुस्सा आज तक नहीं देखा था। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने, भगवान ने आंख दिखाई, भाग पड़े ब्रह्मा जी भी। इंद्रादि देवता तो सामने भी नहीं देख पाए। सबने कहा इनका गुस्सा शांत कैसे होगा? बोले आदमी को चाहे जितना गुस्सा आवे, उनकी श्रीमती को पता होता कि राजी कैसे होते। चलो इनकी श्रीमती को बुलाओ। और महाराज लक्ष्मी जी को बुलाया, बोले ठाकुर जी बहुत गुस्से में है, आप राजी कर सकती हो? भगवान को मनाना बाए हाथ की चुटकी का खेल है, अभी मना लेते। और जैसे ही महाराज लक्ष्मी जी आई, भगवान ने जो आंखें दिखाई लाल लाल, बड़े बड़े नाखून सामने किए, लक्ष्मी जी ने तो तुरंत थाली आरती की, वहीं पटकीर कहा ये कौन है, मैं तो जानती भी नहीं। भगवान को पहचानने से ही मना कर दिया। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये प्रहलाद जी के लिए आए हैं और प्रहलाद पर ही कृपा करके ये अपना क्रोध त्याग सकते हैं। प्रहलाद जी को आगे करके ब्रह्मा जी भगवान के सामने गए और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज भगवान के सामने गए, ब्रह्मा जी ने तो प्रहलाद जी को धक्का दिया भगवान की तरफ, खुद पीछे खिसक गए। ठाकुर जी ने देखा कि मेरे चरणों में मेरा भक्त बैठा है। महाराज भक्त की वाणी सत्य करने के लिए तो मैं संसार में आया हूं और आज मेरा भक्त मेरे चरणों में। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। अपने चरण कमल में पड़े प्रहलाद को देख करके भगवान करुणा से भर गए, क्रोध को भूल गए, उठा करके प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया, माथे पर हाथ घुमाते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रहलाद तूने मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किए, अब मांग वरदान मांग, क्या दूं? प्रहलाद जी कहते प्रभु ऐसा कहकर के मेरी भक्ति को कलंकित न करे, क्योंकि मैंने प्रेम से तुमको भजा है, उसके बदले आपसे कुछ मांगा नहीं है। महाराज मैं भक्ति करूं और आपसे मांग लूं तो फिर मैं भिखारी रहा, महाराज भक्त कैसा बना? आपसे कुछ नहीं चाहिए। बार बार जब भगवान मांगने का कह रहे हैं तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु समझ गया, आपको पता है कि मेरे मन में कहीं तो कोई मांगने की इच्छा पड़ी होगी जो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन बाद में मेरे मन में जग जाए, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया मांगने का कह दिया। हे नाथ करुणा निदान आप देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि आज के बाद मेरे मन में कभी भी कुछ भी आपसे मांगने की इच्छा ही न जगे, मैं आपका भजन करूं प्रेम से लेकिन आपसे कुछ मांगू नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद जी से कहा कि और कुछ चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे पिताजी ने आपसे बहुत विरोध किया, द्वेष किया, आप पर लड़ाई करी, क्रोध किया, आपने उनको मारा, कहीं उनको नरक न मिले, उनका उद्धार कर देना महाराज। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा प्रहलाद तेरे जैसे भक्त का जिस कुल में जन्म होता है उसकी तो 71 पीढ़ियां तर जाती है, तेरे पिता की तो बात ही छोड़, लेकिन हाँ मैं तुझे एक वचन देता हूं, अब तेरे कुल में कोई भी दैत्य भी होगा तो मैं उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे प्रहलाद के वंशजों का मैं वध नहीं करूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के और प्रहलाद जी महाराज को अखंड राज्य प्रदान करके, हिरण्यकश्यप जो दे रहा था प्रहलाद जी महाराज को भगवान नरसिंह ने उससे भी बढ़ा दिया है,
और त्रिलोकी का साम्राज्य दे करके भगवान नरसिंह अंतर्धान होते हैं। एक बार भाव से जयकार, श्री नरसिंह भगवान की जय। फिर तो महाराज नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी महाराज को गृहस्थ धर्म के बारे में, ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में, वानप्रस्थ धर्म के बारे में और संन्यास धर्म के बारे में विस्तार से वर्णन करके सुनाया कि प्रत्येक जीव का अपना अपना धर्म होता है। ब्रह्मा जी महाराज ने चतुर्वर्ण के लोगों के लिए उपदेश दिया कि आप चारों वर्ण के लोगों को करना क्या है। एक ही शब्द बोला, सदाचरणे निरताः, और चारों वर्ण के लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस बात का अर्थ निकाला। ब्राह्मणों ने कहा कि इसका अर्थ होता है सद आचरणे निरताः। सदाचरणे निरता मतलब सत्य के आचरण में लगे रहना चाहिए। क्षत्रियों ने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है, ब्रह्मा जी ने कहा सदाचरणे निरताः, हमेशा युद्ध में लगे रहो, प्रजा की रक्षा में अपने प्राण भी आहूत कर दो, सदाचरणे निरता में ये अर्थ निकाला। वैश्यजनों ने, व्यापारियों ने अर्थ निकाला सदाचरणे विचरणे निरताः। पितामह ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि हमेशा घूमते रहो, अपना काम करते रहो। और शूद्रजनों ने उसमें से अर्थ निकाला सदा चरणे निरताः। विधाता ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों की सेवा करते रहो। लगता है ब्रह्मा जी यही उपदेश देना चाहते। इस तरह से पांच अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का सुंदर वर्णन करके सुनाया। और फिर महाराज अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आई। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। चौथा मनवंतर है तामस मनवंतर, और उसमें भी भगवान का एक अवतार हुआ। कौन सा? बोले हरि अवतार। क्यों हुआ? गजेंद्र की रक्षा के लिए भगवान हरि अवतार लेकर के आए। ये गजेंद्र कौन था महाराज? सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से कथा सुनाई। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर बड़ा हाथी रहता था, उसका परिवार भी रहता है, नित्य आनंद में और मग्न होकर के विचरण करता है। उसी पर्वत के ऊपर एक विशाल सरोवर है जहां से पानी पी के यह हाथी अपने परिवार के साथ निश्चिंत रहता है। एक दिन वहां पानी पीने गया और हाथी का पग पकड़ लिया पानी में रहने वाले मगरमच्छ ने। मगर ने जब पग पकड़ा, हाथी ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, खींच करके बाहर ले आए। लेकिन बहुत समय तक खींचने के बाद भी उस मगर ने पग नहीं छोड़ा, हाथी को खींचता ही जा रहा अंदर, क्योंकि मगर की शक्ति पानी में है, हाथी की शक्ति जंगल में, जंगल का राजा पानी में कैसे बल दिखाए। वहां निर्बल होता गया, वो मगरमच्छ खींचता गया। कई दिनों तक लड़ाई चलती है। कुछ दिन तक तो उसके परिवार जनों ने खूब सहयोग दिया, हाथी के बच्चों ने, हथिनियों ने, अन्य हाथियों ने सूंड से पकड़ करके खींचने की चेष्टा भी करी। भूखे हाथी को जंगल से कुछ खाने की सामग्री भी ला करके दी, कहीं इसका बल न घटे, खाता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। लेकिन लड़ते लड़ते समय बीतता गया, हाथी की शक्ति क्षीण होती गई, कमजोर होता गया। परिवार जन भी समझ गए अब ये नहीं बचने वाला है। और तब धीरे धीरे परिवार के लोगों ने आना कम कर दिया। हाथी के पास, हाथी के जितने मित्र परिजन पुत्र थे वो सब दूर हो गए। एक अकेला हाथी खड़ा है पानी के अंदर, काल से लड़ रहा है, खेचातानी चल रही है। और तब उस हाथी को स्मरण में आया, अरे राम राम, इस स्वार्थी संसार के लिए तो खूब भागे थे, खूब मेहनत करी थी, लेकिन किसी ने आज ऐसे समय में मेरा साथ नहीं दिया। कौन ऐसा है जो मेरे इस समय में मेरी रक्षा कर सकता है? इस आपदकाल में कौन सहायक बन सकता है? और तब हाथी को पूर्व जन्म की स्मृति आई और भगवान का स्मरण आया। एक परमात्मा ही है जो विपत्ति काल में सहायता करता है। हमारे संत लोग कहते हैं, भाई ये हाथी की कहानी, हाथी की कथा तो है, ये तो सत्य घटना है ही, भगवान का अवतार हुआ है इसलिए तो, लेकिन इस कथा से एक रहस्यमय उपदेश हम सबको भी मिलता है कि व्यक्ति जब तक
ऐसा बल लेकर के स्वस्थ होता है तो सब उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक स्थिति आती है, कोई बीमारी काल बनकर के पकड़ लेती है, और जब बीमारी पकड़ती है तो कुछ दिन तो सारे लोग कितनी भीड़ लगती मिलने के लिए। हॉस्पिटल में भी अगर एडमिट करा दे तो डॉक्टर को कहना पड़ता है कि मरीज को एकांत की आवश्यकता है, ज्यादा लोग ना मिले, एक ही पास में रहना। लेकिन सब लोग अपना स्नेह जताने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वही बीमारी अगर लंबी हो जाए, डॉक्टर भी कहे कि अब तो घर ले जाओ, सेवा करो, तो घर वाले भी घर के किसी एकांत कमरे में पटक देते हैं, दिन में एक दो बार पूछ लेते हैं कैसे हो, फिर तो बस चलते बनते। और तब कोई पुण्यात्मा ही होता है, उस विकट समय में मैं उसको परमात्मा की याद आती है कि भाई ऐसे समय में जब मेरे सारे साथी दूर हो गए, परिवार दूर हो गया, पुत्र दूर हो गए, पत्नी दूर हो गई, मेरे अपने दूर हो गए, और तब उसको लगता है कि जब मुझे परलोक की यात्रा करनी है तो इस समय मेरा सहायक कौन हो सकता है। उस समय तो भगवान ही सहायक बनता है, और जो अंतिम समय का सहायक है उसको पहले से अपना सहायक बना लेवे, उन भगवान से पहले से नाता जोड़ लेवे, उनसे संबंध और स्नेह अभी से हो जाएगा तो अंतिम समय में भी उनकी स्मृति आती रहेगी। और नहीं तो अंत समय में घर वालों को गालियां निकालेंगे, कहां मर गए, मैं मरड़ा हूं, इधर देखने तो आओ, लेकिन कोई देखने नहीं आएगा तो और ज्यादा छिझते जाएंगे, परेशान होते जाएंगे। प्रयास करें कि परमात्मा से पहले से प्रेम जोड़ लें ताकि उनकी स्मृति आती रहे। महाराज हाथी ने अंतिम समय में भगवान को पुकारा है, भागवत जी का बड़ा प्यारा मंत्र है, ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। वह परम पुरुष, वह परमात्मा, वह निर्गुण निराकार, वह अव्यक्त, वह परम शक्ति जिसको मैं अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूं, कि आज वो परमात्मा मुझे बचाने, मेरी रक्षा करने आएंगे, क्योंकि आज मेरा बल भी थक गया, मेरे साथी भी छूट गए, अब किसी का सहारा नहीं है, न अपने बल का सहारा है, न धन का सहारा है, न परिजन का सहारा है, एकमात्र परमात्मा का सहारा है। हारे का सहारा परमात्मा हमारा, बस यही बात। जब जीव सब और से हार जाता है तो परमात्मा सहायक बनते हैं, जब तक उसको दूसरे आश्रय रहते हैं, दूसरे बलों का भरोसा रहता है, दूसरों का विश्वास रहता है। भगवान कहते हैं अभी तक थोड़ी परीक्षा बाकी है, इनको भी परख ले, बाद में मुझे मेरे पास आ जाना। और जब सब ओर से जीव थक जाता है, ना कोई मेरी सहायता नहीं करने वाला, एक वो ही है जो मुझे बचा सकता है, मेरी रक्षा कर सकता है, और तब परमात्मा तुरंत तैयार हो जाते हैं, तूने मुझे पुकारा, ले बेटा मैं तैयार हूं तेरे लिए। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, गजेंद्र भावों को एक पद में सजाया है, हे गोविंद हे गोपाल अब तुम जीवन हारे, भाव से श्रवण करें, हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे, हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण शरण गोविंद का शरण शरण में बिहार, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के पीवन
चरण धर पछाड़े हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोपाल हे गोपाल कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तज सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ तज सिधारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोपाल शरण हो तिहारे सूर्य कहे शाम सुनो शरण हो तिहारे सूर्य कहे शाम सुनो शरण हो तिहारे सूर्य कहे शाम सुनो शरण हो तिहारे सब की बार पार करो सब की बार पार करो पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोविंद राखो शरण शरण में तिहारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन
गोविंद रात शरण शरण में तिहारे 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 श्री भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र ने अंतिम समय में भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल मैं आपकी शरण में हूं, हे गोविंद राखो शरण शरण में तुम्हारे। और सूरदास जी इन भावों को अपने साथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे प्रभु अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। प्रभु बार बार यही प्रार्थना है, इस बार मेरा भी नंबर आ जाए, मुझे भी पार कर दो महाराज। गजेंद्र की पुकार परमात्मा ने श्रवण करी और करुणा निधान भगवान ने तत्काल वैकुंठ छोड़ा, हरि अवतार धारण किया, गरुड़ारूढ़ हुए, गरुड़ पर विराजमान होकर के दौड़ते हुए भगवान पधारते हैं। भगवान ने हा बोला तब तो वैकुंठ में थे, लेकिन थी बोला, हाथी नाम लिया ना हाथी, हा बोला तब तक वैकुंठ में थे और थी बोला तब तक तो गजेंद्र के पास आ गए। इतनी तीव्र गति भगवान की, अपना चक्र चला करके ग्राह के फंद को काटा, गजेंद्र को पकड़ करके बाहर निकाला। लेकिन भगवान केवल हाथी को पानी से बचा ले इसमें कोई भगवत्ता नहीं है, परमात्मा का हाथ हाथी के माथे पर पड़ा और आज हाथी के जन्म जन्मांतर के कर्म समाप्त हो गए और परमात्मा की धाम में जाने के लिए तैयार हो गया महाराज। यह है जीव की कृतार्थता। भगवान करुणा करते हैं तो सारे जन्मों के पाप कर्म समाप्त करके जीव का उद्धार कर देते हैं। तो भगवान ने चक्र से काटा तो उसको भी तार दिया। ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म के अलग अलग जीव है। गजेंद्र पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और इंद्रद्युम्न को अगस्त्य ऋषि ने श्राप दिया इसलिए वो हाथी बना, पर अंत समय में फिर भगवत स्मृति जागी और हाथी के शरीर से भी मुक्ति की ओर चला गया। वह ग्राह जिसने पग पकड़ा था वो मगरमच्छ पिछले जन्म में हु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि का पग पकड़ के पानी में खींच लाया, ऋषि ने श्राप दिया, फिर इसने चरणों में पड़ के प्रार्थना करी, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तो देवल ऋषि ने कहा, बेटा ऐसे ही पग पकड़ते रहना, किसी दिन किसी भगत का पग पकड़ में आ गया तो परमात्मा तेरा उद्धार कर देंगे। आज गजेंद्र का पग पकड़ा तो भगवान ने उसको भी तार दिया, पार कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इसी तरह से भगवान ने एक कार्य साधने के लिए तीन अवतार धारण किए। ऐसा कौन सा काम था महाराज, एक काम के लिए तीन बार भगवान आए? हाँ, एक बार दुर्वासा ऋषि की दी हुई माला की अवज्ञा कर दी इंद्र ने, तो क्रोधित होकर के दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि तू श्रीहीन हो जा, तेरी सारी संपत्ति चली जाए। और तब इंद्र देवता दैत्यों से पराजित हो गए, सारी संपदा चली गई। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते भगवान नारायण की शरण में पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, कुछ तो करो। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी सारी संपत्ति और वैभव, श्री वैभव समुद्र में छुप गया है, समुद्र का मंथन करो, वहां से अमृत निकाल करके पियो तो तुम फिर से श्री संपन्न हो जाओगे। महाराज समुद्र मंथन कैसे करे? भगवान ने कहा, अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों का सहयोग लो। देखो जरूरत पड़ने पर सांप ने चूहे से मित्रता करी और पिंजरा कटवा करके बाहर निकल गया, ऐसे जरूरत पड़ने पर दैत्यों का भी सहयोग ले लेना चाहिए। अरयो अपि संदेह सति कार्यार्थ गौरवे, कार्य की महानता देखते हुए कभी कभी दुश्मनों को भी साथ ले लेना चाहिए। और यही कार्य किया देवताओं ने, दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि सबको पता है समुद्र में से अमृत निकलेगा तो पी करके हम अमर हो जाएंगे। मंदराचल पर्वत को उठा करके ले जा रहे थे मथानी बनाने के लिए, मथने के लिए। इतना भारी पर्वत उठा के ले जा रहे थे तो बीच में ही, क्योंकि गणेश जी महाराज का स्मरण नहीं किया, पर्वत गिर पड़ा, किसी का हाथ दब गया, किसी का पांव दब गया। फिर तो भगवान ने अजित रूप धारण करके उस पर्वत को उठाया एक हाथ पर और ले जा करके समुद्र में रखा। मथने के लिए कौन सी मथानी चाहिए?
नेति भी तो चाहिए, बिना रस्सी के मंथन होता नहीं है, तो नेति कहां से लावे। तो वासुकी नाग को बुलाया कि तुमको भी थोड़ा अमृत मिलेगा भाई, तुम भी इसमें सहयोग करो। वासुकी नाग आया नेति बनकर के। समुद्र में जैसे ही पर्वत को रखा तो समुद्र तो अथाह गहरा है, पर्वत डूब गया पानी में। और तब भगवान ने इस पर्वत को फिर से बाहर उठाने के लिए एक अवतार धारण किया है, कच्छप अवतार। अपनी पीठ के ऊपर भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण करके फिर से सागर के आधा बाहर निकाल करके रखा। ये प्रभु का एक अवतार है। भाव से जयकार, श्री कच्छप नारायण भगवान की। आप देवता दैत्यों ने मंथन प्रारंभ किया और मंथन में सर्वप्रथम निकल गया विष। अलहाल विष को देख करके, कालकूट विष को देख करके सब घबराए, अब इसका क्या करें। भगवान नारायण ने प्रेरणा करके शंकर भगवान के पास भिजवा दिया और शंकर भगवान के सामने देवता दैत्य विष लेकर के गए, भोलेनाथ की स्तुति करी और भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा कि देवी, देवता और दैत्य आज हमको विष पिलाना चाहते, पी जावे। कौन पत्नी ऐसी होगी जो पति को कहे कि आप जहर पी जाओ, नहीं कह पाई। लेकिन पार्वती मां शंकर भगवान का प्रभाव जानती है, उसने कहा कि प्रभु मुझ सहित सारे विश्व का कल्याण हो, आप वही करना, मेरा भी भला हो, क्योंकि मेरा सुहाग उजड़े नहीं, महादेव रहे और सारे विश्व का भी कल्याण हो। अब तो महाराज भगवान शंकर ने उस विष पात्र को अपने हाथ में लिया, राम नाम उच्चारण करते हैं क्योंकि शिवजी राम जी के भक्त हैं। रा कह करके मुख में विष रखा, मुंह के मां कह करके मुंह को बंद कर दिया। यही होता है राम बोलने में, जब रा उच्चारण होता है तो गले से नीचे कुछ भी नहीं उतरता। घर पे जाकर के ट्राई करके देख लेना, रा बोल करके कुछ डालो तो गले से नीचे नहीं उतरता। और शंकर भगवान जानते हैं कि मेरे को विष को नीचे नहीं जाने देना है, हृदय में हरि बैठे हैं, ये विष अंदर गया तो मेरे भगवान को परेशानी, बाहर रह गया तो दुनिया को परेशानी, दुनिया और परमात्मा दोनों से बचा के रखना है। तो भगवान शिव ने उसको गले में ही रोकना चाहा, इसलिए रा कह करके विष को मुख में रखा और मां कहने से होठ बंद हो जाते, क्योंकि पबर्ग पूरा ही उच्चारण करने में होठों से ही चलता। मां बोला तो तुरंत होठ बंद हो गए, विष रह गया भगवान शिव के गले में ही, और विष के प्रभाव से गौरवर्ण के कर्पूर गौरम करुणावतारम, गौरवर्ण के शंकर भगवान का कंठ हो गया नीला नीला, भगवान शिव जी का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। भाव से जयकार, श्री नीलकंठ महादेव की। अब तो महाराज देवता दैत्य फिर आए समुद्र मंथन करने, पर इस बार शर्त रखी कि भाई एक एक चीज का बंटवारा करेंगे, ऐसा ना कि फिर कभी ऐसी दुविधा निकल जाए तो कौन ले, इसलिए एक 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 दैत्यों को मिलेगा, एक देवताओं को मिलेगा। और मंथन प्रारंभ हुआ तो इस बार समुद्र में से उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकला। दैत्य राज बलि बोले ये तो हमारा, ठीक है तुम ले लो। इंद्र का भी मन ललचाया, लेकिन भगवान ने कहा संतोष रखो, संतोषी को अच्छा फल मिलता। इंद्र ने संतोष रखा, फिर मंथन हुआ तो इस बार ऐरावत नाम का हाथी निकला और इंद्र को हाथी प्राप्त हुआ, ऐरावत मिला। फिर सागर का मंथन हुआ, इस बार कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया। फिर मंथन हुआ अप्सराएं निकली, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया। फिर मंथन हुआ चंद्रमा निकला, नक्षत्रों का अधिपति बना करके आकाश में स्थित किया। फिर समुद्र का मंथन हुआ, वारुणी नाम की मदिरा निकली। दैत्यों ने कहा ये तो हम ले, दैत्यों ने कहा, देवताओं ने कहा हाँ ये तुम पियो। इसलिए आज भी मदिरा पीने वालों को दैत्य प्रवृत्ति का ही मानते हैं, जो मदिरा पान करता है वो दैत्य बुद्धि का है, क्योंकि जिससे बुद्धि खराब हो जाए ऐसी चीज तो दैत्यों की ही होती है। दैत्यों ने मदिरा स्वीकार करी। फिर समुद्र का मंथन हुआ, इस बार समुद्र वैसे साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट होकर के पधारे, और जैसे ही लक्ष्मी को देखा तो सबने कहा ये तो हम लेंगे। लक्ष्मी के लिए तो आज तक यही समस्या है, सब कहते हैं कि लक्ष्मी हमारी, धन हमारा, लक्ष्मी हमारी, लक्ष्मी हमारी। तो सबने कहा कि भाई ऐसे तो हम आपस में झगड़ जाएंगे तो ये काम पूरा नहीं होगा, अमृत नहीं निकलेगा। एक काम करो, ये निर्णय लक्ष्मी पर छोड़ो कि वो किसके पास रहना चाहती है। और तब लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला देकर के कहा देवी जी आप जिसको पसंद करो उसके गले में पहनाना। लक्ष्मी जी ने देवताओं को देखा कि सुंदर तो है लेकिन डरपोक है, दैत्यों को देखा कि
बलवान तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, बिना बुद्धि के निर्बुद्धि। ऋषियों को देखा कि यह तो महात्मा जन, लेकिन इन महात्माओं ने हमारा आदर नहीं किया, नहीं जाए, क्योंकि देवी को देख करके आंखें बंद कर रहे, बोले ना यहां नहीं जाए। लक्ष्मी जी ने भोले बाबा को देखा, पार्वती जी पास में बैठी, ये तो पति महाराज पत्नी वाले हैं। ब्रह्मा जी को देखा, चतुर्मुखी हैं लेकिन ये अपने लायक नहीं। भगवान नारायण को देखा, सब में कोई ना कोई कमी दिख रही थी। जैसे ही प्रभु नारायण पर नजर पड़ी, ये सब प्रकार से मांगलिक है कि भगवान नारायण के लिए तो कहते ये तो मंगल भवन है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। वो मंगल आयतन है, मंगल का ही घर है भगवान हरि। लक्ष्मी जी ने कहा इनमें भी एक कमी है। क्या कमी है? ये मुझे नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरे तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी दृष्टि अपने चरणों पर लगा रखी, मेरे सामने ही नहीं देख रहे। भाई देखे कि ना देखे, लेकिन हमारे लायक तो यही है। लक्ष्मी जी ने माला पहना दी भगवान नारायण के गले में, और तब से भगवान नारायण बन गए लक्ष्मी नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं, अगर घर में लक्ष्मी जी की जरूरत है तो अकेली लक्ष्मी जी को मत बुलाना, नारायण जी सहित लक्ष्मी जी को बुलाना। क्यों भाई? बोले लक्ष्मी जी भगवान के साथ में आएगी तो भगवान के साथ गरुड़ पर बैठ करके आएगी, और जब तक भगवान आपके घर में तब तक उनकी घरवाली भी आपके घर में। लक्ष्मी जी कहां जाएगी अपने पति को छोड़ के? लेकिन आपने अकेली लक्ष्मी को इनविटेशन दिया और भगवान को नहीं बुलाया, तो लक्ष्मी जी अपना वाहन लेकर के आएगी। और लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। भगवान नारायण का वाहन है गरुड़, और लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके आएगी, आपको उल्लू बना के चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। वो चंचला है, अपने पति के चरणों के अलावा दूसरी जगह ज्यादा टिकती नहीं, घूमती फिरती। लक्ष्मी जी को परमानेंट घर में रखना है तो भगवान का डेरा घर में डलवा दो, ठाकुर जी को बिठा दो घर में, परमात्मा यहां तो फिर लक्ष्मी कहां? वो भी यहां। लक्ष्मी नारायण भगवान बने। फिर समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को यज्ञ के लिए प्रदान कर दी। फिर से समुद्र का मंथन हुआ, इस बार समुद्र में से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, ये भी भगवान के अवतार है। हाथ में अमृत का कलश लेकर के पधारे श्री धन्वंतरी भगवान की। दीपावली के दो दिन पहले धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य होता है, इसलिए वो भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिन होने के कारण धनतेरस कहलाता है। आजकल तो पता ही नहीं, इसलिए सब लोग सोचते धनतेरस, धन से कुछ रस होता होगा, इसलिए धन से संबंधी धन्वंतरी को धन से ही जोड़ के देखते, ये भी कोई धन का ही वाला होगा, इसलिए इसको मानव विशेष करके। पर धन्वंतरी आरोग्य के प्रतीक है, अमृत लेकर के आए हैं, आयुर्वेद के आदि आचार्य प्रणेता कहलाते हैं। और जीवन में सबसे बड़ा धन क्या? स्वास्थ्य, निरोगता। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप धनवान हैं। देखा कोरोना काल में बड़े बड़े धनवान लोग कहते थे मेरा धन ले लो लेकिन हमारा स्वास्थ्य दे दो, हम स्वस्थ रहेंगे तो और कमा लेंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो जीवन चला गया। इसलिए ध्यान रहे, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहे। धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश ला करके जैसे ही बाहर प्रभु प्रकट हुए, दैत्यों ने सोचा रे अब कहीं देवता ना पी जाए, देवताओं ने सोचा दैत्य ना पी जाए, मन में छल तो दोनों के था। और देवताओं के देवराज पुत्र इंद्र ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने झपट्टा मारा, लेकर के चला गया, 12 दिन तक दैत्यों को नहीं पकड़ाया। पर देवताओं का एक दिन हम मनुष्य का एक बरस होता है, क्योंकि हमारे अयन दक्षिणायन और उत्तरायन देवताओं के दिन रात होते हैं। दक्षिणायन देवताओं की रात है, उत्तरायण देवताओं का दिन है, इसलिए कहते हैं स्वर्ग में जाने वाले उत्तरायण में मरे तो स्वर्ग में जाते, क्योंकि वहां देवताओं का सूर्योदय हो जाता, दिन हो जाता। तो 12 दिन तक दौड़ता रहा, माने 12 बरस तक दौड़ता रहा, और उसमें से 4 दिन वो धरती पर रहा, यानी 4 बरस। कहां कहां? जहां जहां वो अमृत का कुंभ लेकर के रहा, वहां वहां आज भी धरती पर कुंभ के मेले लगते।
आपको पता कहां कहां लगता है? हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। आप सभी सनातन धर्म वाले हैं, आपको पता होगा हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है? थोड़ा जोर से, गंगा जी। वाह। दूसरा कुंभ का पर्व लगता है प्रयागराज में, वहां कौन सी नदी है? तीन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसको संगम कहते हैं। तीसरा कुंभ पर्व लगता है नासिक में, कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। और चौथा कुंभ पर्व लगता है उज्जैन में, अवंतिका में, कौन सी नदी के किनारे? सिप्रा नदी के किनारे। तो यहां चार जगह वो जहां जहां कुंभ लेकर के बैठा रहा, वहां वहां कुंभ के पर्व लगने लगे, कुंभ मेले लगते हैं। वहां भी महात्मा लोग एकत्रित होकर के यही निर्णय करते हैं कि भाई वो अमृत तो देवता पी गए, लेकिन जीवन में वास्तविक अमरता क्या है, उस अमृत तत्व को हम भी प्राप्त करें। और कुंभ मेले में फिर संत इकट्ठे होते हैं, भक्त इकट्ठे होते हैं, और जीवन का मंथन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य का अमृत निकालते हैं और कहते हैं परमात्मा ही वास्तविक अमृत है। वो जिसको मिल गया वो अमर हो गया, और जिसको भगवान नहीं मिला वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहा। तो ऐसे कुंभ पर्व। लेकिन 12 दिन पश्चात दैत्यों ने झपट्टा मारा, जयंत से छीन लिया अमृत चरु, नहीं पी पाया देवता, नहीं पी सके। अब दैत्य लेकर के भागे तो देवता उदास हो गए, भगवान के सामने हाथ जोड़े, प्रभु लुट गए, माल तो सारा चला गया। भगवान ने कहा देखो, जो आदमी लुटने के बाद भी मेरी शरण में आ जाता है तो हमारा स्वभाव है कि उसका लुटा हुआ माल भी वापस ले आते। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, हम तो गया हुआ भी वापस ले आते, तुम हमारी शरण में आए अमृत तुमको ही मिलेगा। देवताओं को समझा करके भगवान ने एक नया अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार। ये भगवान का स्त्री अवतार है। ऐसी सुंदर कन्या बन करके जिधर दैत्य लोग भाग रहे थे सामने खेलने, दैत्यों ने कहा रे इतनी सुंदर कन्या कौन है, कहां से आई? पता पूछा तो कहा कि हमको क्यों पूछ रहे हो, तुम कौन हो भाई? अरे हम तो कश्यप महाराज के बेटे पोते, भागते हुए काहे को जा रहे? अमृत मिला देवी जी, पी नहीं सकते। क्यों? लड़ाई हो रही है, पूर्वा हम, पहले मैं पीऊंगा, मैं तेरा काका लगता हूं, मैं बलवान ज्यादा हूं, मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, पहले मेरा नंबर आना चाहिए। पहले के चक्कर में अभी तक पी नहीं पाए। भगवान ने कहा रे राम राम राम, ऐसे बुद्धिमान बाप की मूर्ख औलाद, बाप तो महाज्ञानी कश्यप ऋषि, औलादे ऐसी लड़ रही है पीने के अमृत के लिए। दैत्यों ने अमृत चरु भगवान के हाथ में पकड़ा करके कहा देवी जी आप ही बंटवारा करके पिला दो। भगवान ने कहा देखो हम तो बंटवारा करेंगे तो पक्षपात नहीं करेंगे, इस अमृत को निकालने में जिन जिन ने मेहनत करी सबको पिलाएंगे। भगवान की मीठी वाणी में दैत्य ऐसे फंसे, हाथ जोड़ के कहा कि तुम जिनको भी पिलाओ हमें स्वीकार। भगवान ने कहा देवताओं को भी? बोले हाँ उनको भी, वो भी हमारे भाई। ठाकुर जी ने देवताओं को बुला करके कहा बैठो पंगत में। एक पंगत देवताओं की लग गई, एक दैत्यों की लग गई। और जैसे ही भगवान ने दैत्यों की पंगत में जाकर के पूछा कि पहले कौन पिएगा, दैत्यों ने कहा हम। भगवान ने धीरे से कहा सुनो, अमृत के चरु में ऊपर ऊपर तो पतला पतला अमृत है, ज्यादा ताकतवर नहीं है, गाढ़ा वाला तो नीचे जमा हुआ है। दैत्यों ने कहा पहले देवताओं को पिलाओ, हम तो बाद में पिए। भगवान को तो छल करना था। ठाकुर जी ने देवताओं की पंगत में जाकर के धीरे से कहा कि जैसे ही पात्र में आवे पी जाना, आज इंतजार मत करना कि पूरी पंगत में परोसने के बाद पिएंगे। जैसे जैसे पात्र में आने लगा देवता पीने लगे, लेकिन दैत्यों की पंगत में बैठा एक स्वर भानु नाम का दैत्य समझ गया कि धोखा हो रहा है, देवी जी कोई दूसरी नहीं, हमको लगता वो विष्णु जी ही देवी बन के आए। और उसने देवता का रूप बनाया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठे, अपना पात्र सामने किया, भगवान ने उसको भी परोस दिया, वो भी पी गया। भगवान सूर्य नारायण ने और चंद्रमा ने शिकायत करी, महाराज ये विपक्षी उस टीम का है। और जैसे ही शिकायत हुई तो भगवान ने चलाया सुदर्शन चक्र, कट गया गला, मस्तक हो गया राहु, धड़ हो गई केतु, राहु केतु दोनों बन गए, लेकिन अमृत पी गए इसलिए मरे नहीं। देवताओं ने कहा महाराज आपको पता नहीं चला कि ये दैत्य है? भगवान ने कहा हमको तो पता चल गया, पर इसको भी पता चल गया कि हम कौन है। और जो हमको जान जाता है उसको अमरता ही मिलती है, फिर चाहे वो देवता हो कि दैत्य हो, जो भगवान को जान गया वो अमर ही तो होगा, चाहे राहु ने जाना तो भी वो अमर होगा।
अब तो महाराज सारे देवताओं को अमृत पिला करके भगवान ने अमृत कलश उल्टा करते हुए कहा कि बस इतना ही था, पूरा हो गया। दैत्य एकदम हाथ में शस्त्र लेकर के खड़े हो गए, धोखा किया हमारे साथ। भगवान तो हो गए अंतर्धान, दैवासुर संग्राम छिड़ा और यहाँ आज सारे के सारे देवता दैत्यों को पराजित कर देते, क्योंकि अमृत पिए हुए देवता बलवान हो गए थे और उन्होंने दैत्यों को हराया, अपना स्वर्ग का साम्राज्य पुनः पाया। बहुत से दैत्य मारे गए हैं, बलि राजा जो देव महाराज दैत्यों के राजा है वो भी मारे गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनर्जीवित किया सबको। दैत्यों ने कहा भाई हमारा जीवन तो गुरु जी ने दिया है, इसलिए गुरुदेव की सेवा करो। बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। एक दिन महाराज बलि को शुक्राचार्य जी ने पूछा कि क्या चाहिए भाई, इतनी सेवा कर रहे हो। तो बलि राजा ने कहा कि महाराज हम तो स्वर्ग का साम्राज्य चाहते हैं। अच्छा, स्वर्ग चाहते हो तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम विजेता बनोगे। और ब्राह्मणों का, ऋषियों का आशीर्वाद लेकर के बलि ने आक्रमण किया स्वर्ग पर। देवता आज फिर हार गए। देवताओं ने कहा दैत्य इतने बलवान कैसे हो गए, बोल गुरु सेवा करने से। पर बलि राजा समझदार है, स्वर्ग जीत करके गुरु जी के पास आए, रा करके कहा महाराज ये कोई विधि विधान का तरीका नहीं है। स्वर्ग दादागिरी से छीन लेना अलग बात है, विधि विधान से तरीके से मिलना अलग बात है। ये तो अनलीगल तरीका है, हमने स्वर्ग छीन लिया। लेकिन एक लीगल तरीका क्या है, विधान क्या कहता है, कौन इंद्र बनता है, देवताओं का राजा कौन बनता है। तो गुरु जी ने कहा बेटा जो धरती पर सो अश्वमेध यज्ञ करता है वही देवताओं का राजा बनता है। बलि ने कहा मैं करूंगा महाराज, कराओ मेरे से। और संकल्प करवा करके बलि राजा से यज्ञ प्रारंभ करवाए। अब देवता उधर हारे हुए हैं और इधर महाराज यज्ञ हुए जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि 100 यज्ञ पूरे हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इस वर्ग तो परमानेंट छिन जाएगा। देवताओं ने घूमते घूमते अपनी माँ अदिति की शरण में जाकर के प्रार्थना करी, माता जी अब की बार तो आप ही रक्षा करो। और तब माता अदिति ने कृपा करते हुए कहा कि बेटो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। अपने पति से कहा कि महाराज मुझे ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ, तपस्या उपासना बताओ जिससे मैं मेरे बेटों को सुखी कर पाऊं। कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया, फाल्गुन महीने में 12 दिन तक केवल दूध पी करके भगवान नारायण की उपासना करी जाती है, ऐसा शुक्ल पक्ष में जो 12 दिन तक, वह मुहूर्त बताया, विधि बताई, तरीका बताया व्रत का। और अदिति माता ने वैसा व्रत किया तो भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा माता मैं तेरे पुत्रों की सहायता के लिए तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, क्योंकि मैं दैत्यों को मार तो नहीं सकता, ये जो बलि राजा है ना ये मेरे परम भक्त प्रहलाद का पोता है, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, मैं मार तो नहीं सकता लेकिन मांग तो सकता हूं, मांगने के लिए तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। और थोड़े समय पश्चात भादव महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्यान्ह में दोपहर के समय भगवान वामन बनकर के अदिति माता के उदर से प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की। भगवान वामन को ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल प्रदान किया, धरती माता ने चरण पादुका खड़ाऊ प्रदान करी, कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान करी, बृहस्पति जी महाराज देवगुरु ने आकर के कान में गायत्री मंत्र फूंका, माता अदिति ने महाराज भिक्षा पत्र दिया, अन्नपूर्णा माँ ने भिक्षा प्रदान करी, कुबेर ने आकर के उनको छत्र प्रदान किया। अब यहां से महाराज भगवान वामन चले जहां बलि राजा का यज्ञ हो रहा है, मांगने जाना है ना, अपने भक्तों का काम करना है, मांगने के लिए तो छोटा ही बनना पड़ता है भाई, चाहे भगवान ही क्यों ना। ठाकुर जी भी जब मांगने आए तो वामन बन करके आए, विराट बन के नहीं आए, छोटे बन के आए। बलि राजा के द्वार पर भगवान वामन पधारे, उनका दिव्य तेज देख करके राजा बलि ने यज्ञ छोड़ करके बाहर आए, प्रणाम करके कहा महाराज ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्म ऋषियों का तेज मेरे दरवाजे पर आ गया। महाराज जी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, आपका स्वागत करता हूं। स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मन किम करवामे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, माला जपते हुए माला पूरी करी, फिर मौन व्रत खोला और कहा कि राजा बलि हमने आपकी बहुत कीर्ति सुनी है, आपके पिताजी विरोचन महाराज बड़े त्यागी तपस्वी ब्राह्मण भक्त थे, आपके दादा प्रहलाद तो साक्षात विष्णु भगवान को प्रकट कर दिया ऐसे महान भक्त थे, आपके परदादा हिरण्यकश्यपु पूरी दुनिया के राजा थे। बलि ने सोचा रे इतना सा बच्चा लेकिन मेरी पूरे खानदान को जानता है,
बहुत राजी हुए। महाराज जी मांग लीजिए, क्या देऊं? अरे राजन क्या चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी मन में ऐसा विचार आया कि तुम्हारा यज्ञ चल रहा है, इतनों को दे रहे हो, तो मैं भी थोड़ा ले आऊं। क्या चाहिए महाराज, आप जो कहोगे सो दूंगा, ज्यादा नहीं महाराज, बस मैं अपनी जगह बैठ करके कहीं साधना भजन तपस्या संध्या इत्यादि करूं, तो कोई मुझे ये कह करके नहीं उठावेगे, मेरी जमीन उठ यहां से, तो बस हमको तो हमारे पग से नाप करके तीन पग जमीन चाहिए। बलि जोर से हंस पड़े, वाह महाराज जी, जैसा शरीर छोटा वैसी बुद्धि भी छोटी। अरे आप बलि के सामने मांग रहे हो, यहां मांगने के बाद दुनिया में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, जितना चाहिए एक ही बार में मांग लो। भगवान ने कहा हम तो कहा ना संतोषी, तीन पग जमीन चाहिए, वो भी हमारे पग से नाप करके, और वो भी संकल्प करके दे। तो बलि और भगवान में जो बातचीत चल रही थी, अंदर बैठे शुक्राचार्य जी ने सुन लिया, मन में सोचा रहे इतना सा बच्चा इतना बोल रहा कौन है, आंख बंद करके जैसे ही देखा, अरे राम राम, ये वामन नहीं, ये तो विष्णु है, पहचान गए, दौड़ करके बाहर आए, बलि रुक, ध्यान मत देना, जानता ही कौन है, महाराज ये तो वामन है, अरे ना वामन है ना त्रेपन है, साक्षात विष्णु है, वामन त्रेपन नहीं है। अच्छा महाराज, तेरी सारी संपत्ति लेने आया, देना मत। बलि ने कहा महाराज जब विष्णु ही आए हैं, सारी दुनिया का मालिक ही वही है, मालिक मांगने आया है तो दे करके दाता तो कहलाऊं कम से कम, यहां तो मना नहीं करूंगा महाराज। और द्वार पर आए भिक्षु को ये बलि मना कर दे, ऐसा तो महाराज हमने जन्म ही नहीं लिया, जहां तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी अगर गुरु की बात नहीं मानेगा, कहना नहीं मानेगा तो। अब गुरु जी ऐसे ही संपत्ति तो नष्ट हो जाएगी, तो दे करके कम से कम भले आदमी तो बने। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे गुरु चीले का झगड़ा हो रहा है, तो हम तो जावे, भाई नहीं देना हो तो मत दो। प्रताप बलि ने कहा ना महाराज, लेकर के जाओ, संकल्प कराओ। और जैसे ही भगवान ने जल देना चाहा, तो कमंडल की नली में शुक्राचार्य जी बैठ गए, पानी आएगा तो संकल्प लेंगे, चीला तो बोला है लेकिन ये ठगी महाठग आज सामने खड़ा, मीठी मीठी बातों से ठगरा मेरे चीले, बलि के प्रति ममता जगी। भगवान ने बलि से कहा कि पानी नहीं आ रहा, लगता कोई कचरा आ गया नली में, एक तिनका उठा करके जैसे ही सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, आंख फूट गई महाराज। बाद में शुक्राचार्य जी ने पूछा था कि प्रभु आप चाहते तो मुझे फूंक देके भी बार पटक सकते थे, लेकिन आपने मेरी आंख क्यों फोड़ी? भगवान ने कहा देखो आंखें दो होती है, ज्ञान और वैराग्य, आपकी ज्ञान वाली आंख तो सही है क्योंकि तुम मुझे पहचान गए, मैं वामन बन के आया तो भी जान गए कि विष्णु है, लेकिन आपकी बैराग वाली आंख में मोतियाबिंद हो गया, महाराज चेले के धन में भी ममता होने लगी, बैराग ढीला पड़ गया, इसलिए हमने इस ममता इस आंख का ऑपरेशन कर दिया, इस आंख को हमने ठीक कर दिया। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी तो भागे बाहर कि देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है, फोगट में अपनी आंख फुड़वाई, भगो भाई यहां से। शुक्राचार्य जी तो चले गए, राजा बलि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प किया, मैं विरोचन नंदन बलि संकल्प करके कहता हूं कि तीन पग जमीन इस ब्राह्मण के बालक के पग से नाप करके दी। जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने कहा तो नाप ले, बोले हाँ नापू महाराज, मेरे घर के आसपास ही नापना, पड़ोसी बने रहेंगे। और भगवान ने जैसे ही वामन से विराट रूप बनाया, पद पाताल शीश अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा, एक ही पग में धरती के नीचे के सात लोगों को नाप लिया, अतल वीतल सूतल तलातल रसातल महातल पातल, सातों को नाप करके एक पग में धरती तक आ गए। दूसरा पग उठाया, भूलोक भूवरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक बहरलोक ब्रह्मलोक, ऊपर वाले सातों लोगों को नाप लिया। और जैसे ही दो ही पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, बलि तीन पग दिया था, तीसरा कहां रखूं बता? बलि घबराया, अरे राम राम महाराज, ठाकुर जी धोखा है, आपने नापने से पहले थी कोई नापने का फीता दूसरा दिखाया था और नापते समय बढ़ा दिया, इतने बड़े हो गए, लेकिन प्रभु मैं भी संकल्प करके बैठा हूं तो देख के रहूंगा, इतना सा बता दो कि दान बड़ा होता है कि दाता, भाई दान से तो देने वाला दाता बड़ा होता। बलि कहते हैं आपने मेरे दान को दो पग से नापा है, तीसरे पग से इस दाता को भी नाप लो महाराज, तीसरा चरण मेरे माथे पर पधरा दो। और भगवान ने अपना चरण उठा करके राजा बलि के मस्तक पर रखा, इसलिए कहते हैं बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, सर्व में अपना और स्व में अपने को, बलि का जो है वो सर्व है और स्व कौन है? बलि स्वयं।
इसलिए आज भी जो अपना प्राण दान दे देता है तो लोग कहते हैं उन्होंने बलिदान दे दिया। क्या बात है ना, शहीद होना तो ये उर्दू का फारसी का शब्द है, हमारे तो हिंदी का तो शुद्ध शब्द है बलिदान। बलि की तरह अपने आप को दान दे देता है, वो बलिदान हो जाता है। तो राजा बलि ने अपना सब कुछ दिया। भगवान ने बलि राजा को वामन हमारा सूतल लोक में जाने का आदेश दिया और यहां का साम्राज्य सब इंद्र को संभलाया। सूतल लोक में जब बलि राजा गए अपने पूरे परिवार को लेकर के, वहां ठाकुर जी पीछे पीछे गए, कहा बलि मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हुआ, तूने मेरी बात रख ली, तूने मेरे मान रख दिया, मेरा तू भक्त है, मांग तुझे क्या चाहिए। बलि ने कहा प्रभु देना चाहते हैं। हां वचन दो, जो मांगूंगा दे दोगे। बोला हां दिया, वचन दिया। तब बलि कहता है प्रभु आप जिस रूप से मेरे घर पर आए थे वामन बन करके, इस सूतल लोक के दरवाजे पर आप उसी रूप में पहरेदार बन के खड़े रहो, जब भी घर में आऊं जाऊं बाहर जाऊं कहीं भी या कहीं से भी आऊं आपका दर्शन होता रहे महाराज। भगवान ने कहा तथास्तु। द्वारपाल बन करके ठाकुर जी खड़े हो गए। लक्ष्मी जी इस वैकुंठ में इंतजार कर रही, भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। एक दिन नारद जी गए, माता जी अकेली बैठी हो, प्रभु कहां? अरे नारद जी दुनिया भर में तो आप घूमते हो, बताओ कहां है। नारद जी ने कहा पहले तो मीठा मुंह कराओ। क्यों? बोले आपके श्रीमान जी की नौकरी लग गई। कहां लग गई? राजा बलि के वहां चौकीदारी कर रहे हो, पहरेदारी कर रहे हो। अरे जिनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी हो उनको नौकरी करनी पड़े। बोले हाँ कर रहे माता जी, वो वचनबद्ध है, लाने जाओ तो थोड़ा ध्यान से जाना। नारद जी ने सब विधि समझाई, लक्ष्मी माता सूतल लोक में आई, बलि राजा के सामने कहने लगी मेरा कोई नहीं है भाई, तू बन जा मेरा भाई। बलि ने अपना हाथ आगे किया, राखी बांध दी लक्ष्मी जी ने। तो बलि ने कहा कि अब से तू मेरी बहन है, मांग क्या चाहिए। बोले जो मांगोगी दे दोगे। हाँ दिया, वचन। लक्ष्मी जी ने कहा और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा ये पहरेदार हमको दे दो। क्यों, क्या लगते तुम्हारे? हमारे क्या लगते तुम सोचना, लेकिन तुम्हारे जीजा जी लगते हैं हम। ओह वाह, पहले ठाकुर जी ठगने आए, ठकुराइन भी यही काम करने आए। वाह प्रभु, खानदान यही काम करता है क्या, ठगने का ही? लेकिन प्रभु एक एक बात है, आप कृपा निदान है, मैं लक्ष्मी जी और ठाकुर जी के सामने जीत नहीं सकता, लेकिन एक प्रार्थना है। वचन तो दिया कि भगवान लक्ष्मी जी को सौंप दिए, लेकिन प्रभु जब जब चातुर्मास आवे, कम से कम 12 महीने में से 4 महीने तो मेरे घर ससुराल में आकर के आनंद लेना, मेरी बहन का पीहर है यहाँ, लक्ष्मी का पीहर हो गया अब तो। और तब से ठाकुर जी चातुर्मास में सूतल लोक में जाकर के विश्राम करते हैं। ऐसी सुंदर भगवान की वामन लीला हुई। भाव से जयकार श्री वामन भगवान की। इसी तरह से भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था, राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों की रक्षा के लिए भगवान मछली बन करके आए और सप्तऋषियों को जो उपदेश दिया उस उपदेश का नाम पड़ा मत्स्य पुराण। आज भी अपने यहां पर मत्स्य पुराण के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार भाव से जयकार कर ले श्री मत्स्य भगवान की। अब नवम स्कंद में दो वंशों का दिव्य वर्णन है। पहला वंश है सूर्य वंश और दूसरा वंश है चंद्र वंश। दोनों ही वंश में भगवान का पूर्ण अवतार हुआ है। सूर्य वंश में परमात्मा श्री राम बनकर के पधारे और चंद्र वंश में परमात्मा श्री कृष्ण बनकर के पधारे। तो भाव से थोड़ा इस वंश का दर्शन कर ले। सूर्य वंश का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है मरीचि, मरीचि महाराज के पुत्र है कश्यप जी, कश्यप जी के पुत्र है सूर्य नारायण भगवान सूरज, सूरज के संध्या नाम की पत्नी से पुत्र हुए भगवान मनु श्राद्ध देव, जिनको वैवस्वत मन मंत्र कहते हैं। श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने खूब तपस्या करी, एक सुद्युम्न नाम का बेटा हुआ, लेकिन कालांतर में वो पुनः एक ऐसे वन में चला गया कैलाश में, जहां पार्वती जी और शंकर भगवान का श्राप था कि यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्त्री बन जाएगा, तो वो सुद्युम्न स्त्री बन गया। तो महाराज उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने तपस्या करके ऐसा वरदान मांगा कि वो एक महीने पुरुष रहता और एक महीने स्त्री रहता। तो ऐसी संतान से मनु को संतोष नहीं हुआ, यमुना किनारे जाकर के तप किया और फिर उनकी 10 संतानें हुई। 10 में से इक्ष्वाकु है, निमि है, ऐसे महान महान धर्मात्मा नभग है, नाभाग है, इन पुत्रों का प्राकट्य हुआ।
मनु महाराज के एक पुत्र हुए सरयाती, जिनकी बेटी हुई सुकन्या, जिनका विवाह चमन ऋषि के साथ में करवाया। क्योंकि सरयाती अपनी सेना लेकर के कहीं गए थे, जंगल में डेरा डाला, और सुकन्या ने अपनी सखियों के साथ घूमते घूमते तपस्या में बैठे चमन ऋषि, जो मिट्टी का ढेरा दिख रहे थे, मिट्टी का ढेला, केवल दो आंखें चमक रही थी, तिनके लेकर के दोनों आंखों में डाल दिए, खून बहने लगा, आंखें फूट गई। ऋषि का अपराध करने से सारे राजा के सेवक और सैनिक परेशान होने लगे, और तब चवन ऋषि की शरण में आकर के सरयाती ने प्रार्थना करी। तो ऋषि ने कहा कि मेरी आंखें फूट गई, बुढ़ापे में मेरा सहायक कौन? और तब सहायता करने के लिए, वाह बाल गोपाल बड़े प्यारे, इन्हीं को चाहिए टोपियां, इसलिए रखे गए। बोलो राम। सरयाती ने कहा कि प्रभु, जिसने अपराध किया है उसी को दंड मिलेगा, मेरी बेटी ने आपकी आंखें फोड़ी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करके चला जाऊंगा। वृद्ध ऋषि चवन ऋषि और युवा कन्या महाराज सुकन्या, दोनों का विवाह हुआ। बहुत सेवा करी सुकन्या ने पति भाव से, और तब वृद्ध ऋषि चवन ने अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्यों को बुलाया और एक ऐसी औषधि तैयार करी जिसका पान करने से चवन ऋषि युवान हो गए, जवान बन गए, आंखें भी प्राप्त हो गई। इसलिए आज भी वर्तमान में भी लोग ऐसे रसायन का नाम क्या रखते हैं, बोले चवन प्रास है, खाने से बूढ़ा भी जवान हो जाए, होवे कि ना होवे वो तो पता नहीं, चवन ऋषि हो गए। उनके लिए तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने बनाया। दूसरे पुत्र हुए नभग। नभग के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया नाभाग, क्योंकि नाभाग विद्या अध्ययन करने गया। दूसरे भाइयों ने बहुत दिनों तक, जब छोटा भाई नहीं आया तो संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और जब नाभाग आया तो पूछा, भाई आप सबने अपने अपनी संपत्ति धरती घर सब बांट लिए, मेरा भाग कहां? बोले तू तो नाभाग, तेरे भाग में कुछ भी नहीं। अरे मैं भी तो पिता की संतान हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। और तब कहा कि तुझे ज्यादा संपत्ति का अधिकार चाहिए, तो एक काम कर, बूढ़े पिताजी को अभी तक किसी ने नहीं लिया, पिताजी तेरे भाग में, इनको तू ले ले। और नाभाग ने पिता की इतनी भाव से सेवा करी कि भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के नाभाग को विराट धरती का राजा बना दिया। और फिर उस नाभाग के घर पर ऐसे परम भक्त वैष्णव का जन्म हुआ जिसका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश जी ऐसे महान भक्त, एकादशी व्रत में ऐसी निष्ठा। एक बार कुंभ का मेला लगा और सब ऋषियों में चर्चा हो रही थी, वर्तमान समय में धरती पर सबसे बड़ा भक्त कौन? नारद जी ने कहा, महाराज सबसे बड़ा भक्त तो अम्बरीश है। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया कि कोई गृहस्थ आदमी हम सन्यासियों से बड़ा भक्त कैसे हो सकता? और तब महाराज परीक्षा लेने के लिए गए। एकादशी पूरी हो गई थी, द्वादशी की थोड़ी सी घड़ियां बाकी है, एकादशी के पारण का समय आ गया है। राजा भोजन करने की तैयारी में थे, इतने में ऋषि आते दिख गए। उठ करके प्रणाम किया, दंडवत करी, और ऋषि से कहा, महाराज जी प्रसाद पाओ। ऋषि ने कहा, बस प्रसाद तो पाना ही है, स्नान करके आ जावे, इतनी सी देर। स्नान करने गए, जान बूझ करके समय बर्बाद करके लेट किया, अगर टाइम निकल जाएगा तो राजा का व्रत टूट जाएगा, और व्रत नहीं तोड़ा और उसने मेरा इंतजार किया, नहीं किए बिना भोजन कर लिया तो फिर मैं श्राप दे दूंगा। अब महाराज राजा ने विचार किया कि एकाद द्वादशी तो पूरी हो रही, बारस निकली जा रही है, क्या करें, व्रत का पालन करें कि ऋषि का सत्कार करें? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लो, व्रत भी नहीं टूटेगा, ऋषि का अनादर भी नहीं होगा। चरणामृत पी लिया, लेकिन जब ऋषि ने द्वादशी पूरी होने के बाद आकर के पूछा, अरे राजन तुम्हारा तो व्रत टूट गया, क्योंकि भोजन अभी तक किया नहीं, पारण का समय निकल गया। महाराज भूदेवताओं की आज्ञा से मैंने थोड़ा सा ठाकुर जी का चरणामृत ले लिया। अरे तूने मुझे निमंत्रण देकर के पहले व्रत खोल दिया, मैं तुझे अभी चला करके भस्म करता, काल कृत्या प्रकट करी। लेकिन भगवान ने राजा अम्बरीश की सेवा में अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा है, तू मेरे भक्त की रक्षा करना। जैसे ही कृत्या आई अग्नि के रूप में, सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि का समन किया, उसको शांत किया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा, महात्मा जी आप मेरे ठाकुर जी के भक्त को मारना चाहते हो, मैं तुम्हें देख लेता। और सुदर्शन चक्र के आगे आगे भागे दुर्वासा ऋषि। स्वर्ग में गए तो इंद्र ने नहीं रखा, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने नहीं रखा, कैलाश में महादेव ने नहीं रखा,
और दौड़ते दौड़ते भगवान श्री हरि नारायण की शरण में पहुंचे और कहा कि प्रभु रक्षा करो मेरी रक्षा। भगवान ने कहा महाराज हम तो पराधीन है। नारायण पराधीन, हम भक्त पराधीन है, यह स्वतंत्र साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। महाराज हम तो भक्तों के अधीन है, जैसे एक पतिव्रता पत्नी निष्काम भाव से पति की सेवा करते करते पति को अपने वश में कर लेती है, बस ऐसे ही मेरे भक्त लोग मेरी भक्ति करते करते मुझे भी वश में कर लेते हैं। भक्त जैसा कहे हम तो वैसा करते हैं। महाराज अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु फिर तो भगवान नारायण की शरणागति व्यर्थ जाएगी। बोले ना उपाय बताएंगे। क्या उपाय? यह है आप अम्बरीश की शरण में जाओ, अगर अम्बरीश आपको क्षमा कर देवे तो ये सुदर्शन चक्र आपका पीछा छोड़ देगा। और घूमते घूमते दुर्वासा जी पुनः दौड़ करके अम्बरीश के चरणों में आकर के गिरे। और तब अम्बरीश जी ने 12 महीने बीत गए थे दुर्वासा जी को दौड़ते दौड़ते, और 12 महीने बाद में आए तो देखा कि राजा ने अभी तक भोजन भी नहीं किया। एक महात्मा घर से भूखा चला गया, मैं अन्न का अधिकारी नहीं, मैं कैसे खाऊं भोजन? सुदर्शन चक्र को, मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं तो हे चक्र इस ऋषि का पीछा छोड़ दो, कहते ही शांत हो गया। और तब दुर्वासा जी ने कहा कि ओ अब मुझे पता चला भगवान के भक्तों की महिमा क्या है। अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्टम मध्यमे, मैंने अब महिमा देखी भगवान के भक्तों की। तो ऐसे महान भक्त का जन्म हुआ किस घर में? जिसने वृद्ध पिता की भाव से सेवा करी, बूढ़े बाप की सेवा का फल यह मिला, ऐसे परम भक्त के पिता होने का सौभाग्य मिला। मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के वंश में महान दाता महाराज का जन्म होता है। महान दाता महान प्रतापी राजा जिनके पुत्र मुचकंद जो देवताओं के सेनापति बने, इसी वंश में महाराज आगे जाकर के एक राजा का जन्म होता है जिनका नाम है सगर। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नियां सती नहीं हुई क्योंकि एक पत्नी गर्भवती, लेकिन दूसरी रानियों ने सोचा कि ये संतानवती होगी, रम सब नहीं संतान, मान तो इसका बढ़ जाएगा। गर्भवती रानी को विष दे दिया, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करे कौन मारे, विष के सहित उस बालक का जन्म हुआ। संस्कृत में जहर को गर कहते हैं, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गर के साथ जन्म हुआ इसलिए सगर नाम पड़ गया, राजा सगर। सगर के 60,001 पुत्र हुए। राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, अश्व ढूंढते हुए 60,000 बेटे गए। कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बांध के इंद्र गया था, और वहां घोड़ा देख करके भगवान कपिल को ही चोर समझ करके ये सगर पुत्र मारने भागे। भगवान कपिल ने क्रोध अग्नि में सबको जला करके भस्म कर दिया। लेकिन सगर के दूसरे पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान जो सगर के पोते हैं, वो घोड़ा ढूंढते हुए गए और वहां कपिल भगवान को प्रणाम करके अनुनय विनय करके कहा कि महाराज जी घोड़ा तो यहाँ है लेकिन हमारे काका लोग भी आए थे यहाँ घोड़ा ढूंढने के लिए, वो कहाँ है? तो उनकी पड़ी राख बताई, बोले वो तो सब जल गए क्योंकि वो तो हमको मारने आए थे। अरे महाराज आपके क्रोध में जले हैं तो फिर निश्चित रूप से उनकी अधोगति हुई, कल्याण कैसे होगा? भगवान कपिल ने कहा कि अगर भगवान का चरणामृत गंगा जी आकर के इनका स्पर्श करे तो इनका उद्धार हो सकता है। गंगा जी कैसे आएगी? घर जाकर के अंशुमान ने यज्ञ पूर्ण करवाया और फिर गंगा जी को प्रकट करने के लिए तपस्या करी, गंगा जी नहीं आए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तपस्या करी, फिर भी गंगा जी नहीं आए। और तीसरी पीढ़ी भगीरथ ने तपस्या करी, तब गंगा जी प्रसन्न हुई, कहा ठीक है धरती पर आने को तैयार हूं लेकिन मुझे रखेगा कौन? आकाश से गिरूंगी तो सीधी पाताल में चली जाऊंगी। और तब शंकर भगवान की उपासना करी। बोले बाबा ने कहा कि आने दो, कौन सा चरणामृत है, कौन सी गंगा, हम रख लेंगे माथे। गंगा जी को लगा कि बाबा जी तो बह जाएंगे अभी पानी में, लेकिन गंगा जी का गर्भ गुमान मिटाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा खोली, जटा में ही पूरी गंगा को बांध के रख दिया। भगीरथ ने फिर हाथ जोड़े, महाराज आप दोनों की लड़ाई में मेरे बडेरे तो ऐसे ही पड़े, उनका कल्याण कैसे होगा? और तब गंगा की एक जटा भगवान शंकर ने खोल करके गंगा जी को बहाया, भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। और गंगा जी चलते चलते हरिद्वार प्रयागराज काशी गंगा सागर में जाकर के, सागर के तट पर जहां कपिल भगवान का आश्रम है वहां सागर में विलीन होने से पहले सगर पुत्रों के उन राख से अपना स्पर्श करती है
और सगर के वो श्रापित सारे पुत्र दिव्य विमानों में बैठ करके भगवान की धाम को चले जाते हैं। ये गंगा माँ की महिमा है। भाव से जयकार, बोलो गंगा मैया की। हाँ, भारत में और कोई तीर्थ अपने से बने तो सबसे बढ़िया, ना तो कम से कम गंगा जी की यात्रा तो करते ही रहना, क्योंकि गंगा दर्शन से तो पाप हरता है। गंगा तो प्रभु का चरणामृत है, गंगा जी की अद्भुत महिमा है, पुनः पुनः उसका दर्शन होता रहे। लोग मरने के बाद ले जाएंगे, उससे अच्छा कि जीते जी जाके देख के तो आवे है कैसी। भाव से गंगा दर्शन होता रहे। फिर इन्हीं भगीरथ महाराज के वंश में महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र का जन्म होता है, और महाराज इसी वंश में आगे जाकर के सौदास, मूलक, नारी कवच इत्यादि राजा, और इसी वंश में महाराज रघु का जन्म हुआ। रघु महान प्रतापी थे, इसलिए इनके नाम से ये सूर्य वंश रघुवंश पड़ गया। रघु महाराज के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर पर परात पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं राम रूप में अवतार लेकर के पधारे। कैसे आए हैं संक्षिप्त में थोड़ी सी राम कथा का दर्शन कर ले। ऐसे तो भगवान राम जी की कथा गाने में 9 दिन भी कम पड़ते हैं, पिछले साल का अनुभव है अपना। यहां पर राम कथा गाई तो 9 दिन में भी पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा आई है, तो एक बार राम जी की कथा का थोड़ा सा संक्षिप्त दर्शन कर ले। जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा विविध रूपों में अवतार लेकर के आते हैं। प्रभु का ही वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। त्रेता युग में जब बहुत अधर्म बढ़ गया, तब परमात्मा को धरती ने पुकार करी, देवताओं ने, ऋषियों ने पुकार करी, ब्रह्मा जी ने पुकार करी, और भगवान ने कहा कि मैं सूर्य वंश में अवतार लेकर के आऊंगा। महाराज दशरथ के जीवन में ऐसे तो सब मंगल था, क्योंकि जिसके घर परमात्मा को आना है, उन माता पिता को परमात्मा भी देखते हैं कि ये कैसे हैं, मेरे प्रकट करने योग्य है कि नहीं। दशरथ राजा परम भक्त है। गोस्वामी जी महाराज ने तो रामायण में लिखा है, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। उनकी नारियां महान दिव्य है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। महान नारियां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, घर में सब था, संपत्ति बहुत थी, बुद्धि बहुत अच्छी थी, भक्ति बहुत थी, लेकिन संतान नहीं थी। जवानी बीत गई, बुढ़ापा प्रारंभ होने वाला है, तब मन में विचार आया कि मेरे वंश का क्या, मैं आखिरी आदमी, मेरे बाद में मेरे पितरों का कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा धीरज धरो, घर में 4 बेटे होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, यज्ञ नारायण ने प्रसाद दिया, रानियों ने प्रसाद पाया, और फिर वो शुभ दिन आया भगवान के प्रकट होने का। जोग मंगल जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुत राम जन्म सुख मूल। पूरा पंचांग अनुकूल बना है, चैत्र महीना और चैत की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, मध्यान्ह का समय, पवन देवता मंद मंद बह रहे हैं, सब लोग विश्राम कर रहे हैं, और सारे जगत को आराम देने वाले राम आने वाले हैं। देवताओं ने गर्भ स्तुति करी और सब स्तुति करके अपने अपने धाम को गए हैं। माँ कौशल्या के भवन में परात पर ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज रूप में 4 भुजानाथ के रूप में प्रकट होते। भाव से जयकार, श्री 4 भुजानाथ की जय। और माँ ने जब अपने प्रभु को सामने देखा, भाव से स्तुति निकल पड़ती है माँ के मुख से। हम सब भी कृष्ण जन्म की यात्रा में चलें, उससे पहले भाव से राम जन्मोत्सव मना लेवे, स्तुति का भाव से आनंद लेवे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित मेहतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी,
रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति निर्नर है सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता अपनी बोली सोमति डोली तजहु तात यह कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुत परम हमारे यहां तो बेटे छोटे छोटे होते महाराज जन्म तो इतने बड़े थोड़े ही होते प्रभु ने छोटा रूप बनाया अब तो ठीक है अब भी गड़बड़ है महाराज यहां तो दो हाथ वाले होते अब तो चार हाथ वाले ठाकुर जी ने अपने दो हाथ गायब कर दिए अब तो सही है मां अब भी गड़बड़ है क्या यहां बच्चे का जन्म होता है तो रोता है आप तो बातें कर रहे आप रोगे तो भी तो पता चलेगा कौशल्या के बेटा हुआ नहीं तो लोग सोचेंगे जन्मते ही बोल रहा कौन है भाई प्रभु ने कहा कि मां मैं क्यों रोवे वो जिसपे कोई संकट समस्या दुख आवे माता जी ने कहा प्रभु अपनी समस्याओं से रोवे वो जीव होता है और भक्तों की समस्याओं पर आंसू बहाए वही तो परमात्मा होता है महाराज आप तो रोइए सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा वचन सुन करके प्रभु रोने लगे महाराज दशरथ को ये समाचार दिया गया पुत्र प्राप्ति के समाचार से दशरथ जी आनंदित हुए फिर तो कई कई माँ ने भरत जी को जन्म दिया उस समाचार से और आनंद बढ़ा है सुमित्रा माता ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो लालों को जन्म दिया है महाराज दशरथ का आनंद दुगुना चौगुना हो जाता है
और फिर तो राम जी की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। प्रभु राम जी की बाल लीला हुई, जनकपुर में विवाह लीला हुई, कई कई माँ के वचन से वन लीला हुई, रावण आदि असुरों का वध करके भगवान श्री राम जी अयोध्या के राजा बने और विश्व को राम राज्य की परिकल्पना दी कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा में कैसा व्यवहार और प्रजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अद्भुत राम कथा का सार है। हम सब राम कथा को संक्षिप्त में सुन तो लिए, लेकिन थोड़ा सा समझ ले इसका तात्विक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ। राम क्या है? जुआनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। राम परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, वो आनंद सिंधु है। आपके हृदय में सच्चा आनंद कब आएगा? बोले दूसरे भाइयों को और उनकी शक्तियों को समझ लेंगे और वैसा जीवन हमारा हो जाएगा तो राम हमारे हृदय में आ जाएंगे। कैसा? नीचे से शुरुआत करते। सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी महाराज और उनकी पत्नी का नाम है, पता है आप लोगों को? श्रुति कीर्ति। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति कहते हैं वेद को और कीर्ति कहते हैं यश को। वेद भगवान किसका यश गाते हैं? परमात्मा का। ऐसे श्रुति कान को भी कहते हैं, ये भी श्रुति कहलाती है। तो कानों से जो वेद वर्णित परमात्मा का यश श्रवण करता है, उसके भीतर के शत्रु काम क्रोध लोभ इत्यादि सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं, शत्रुघ्न बन जाते हैं। फिर दूसरे भैया हैं लक्ष्मण जी महाराज, उनका नाम लक्ष्मण है, उनकी शक्ति है उर्मिला। उर कहते हैं हृदय को, ये हृदय मिलाना है। किससे मिलाना है? उर्मिला किससे? बोले राम से। कब मिलेगा? जब हमारा मन लक्ष्योन्मुखी बनेगा। लक्ष्मण का अर्थ होता है एक लक्ष्य की तरफ चलने वाला, वह लक्ष्मण। हमारा हृदय का लक्ष्य एक परमात्मा प्राप्ति हो जाए, एक भगवत प्राप्ति हो जाए, यह उर्मिला शक्ति हमारे हृदय में आए, हमारा मन लक्ष्मण बन जाए, एक लक्ष्य की तरफ चलने वाला बन जाए, तो हम हो गए लक्ष्मण। फिर तीसरे भैया हैं भरत जी महाराज। भरत का अर्थ है भरना। किससे भरते हैं? बोले प्रेम से भरते हैं। भरत क्या है? प्रेम मूर्ति। भरत के जीवन में प्रेम ही प्रेम है, इसलिए तो गुरुदेव महाराज कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करता है वो भरत है, और विश्व का भरण पोषण करने के लिए संपूर्ण विश्व में प्रेम जगाना पड़ता है। और कैसा प्रेम? प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? भरत जी की पत्नी का नाम है मांडवी। एक माँ का पुत्र के प्रति जैसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम जब सारे विश्व के जीवों के प्रति जगने लगे, तब समझना कि भरत की शक्ति भी हमारे भीतर प्रकट हो गई है। शत्रुघ्न की शक्ति संतों के द्वारा कथा श्रवण, लक्ष्मण की शक्ति हृदय को राम से मिलाना, भरत की शक्ति संपूर्ण विश्व से प्रेम करना, और तब क्या होगा? बोले राम की शक्ति की कृपा होगी। राम की शक्ति कौन? जानकी जी, किशोरी जी, माँ सीता जी। और ये जीव त्रिविध तापों में जलता हुआ जब माँ किशोरी सीता जी के सामने जाता है, तब किशोरी माता अपनी कृपा की शीतल छाया कर देती है, अपना वरद हस्त माथे पर रख देती है। तीनों ताप से जलता हुआ जीव परम विश्राम पा लेता है और हृदय में आनंद सिंधु परमात्मा राम प्रकट हो जाते हैं। यह राम कथा का सार। तो राम कथा में अपने को यही जीवन में उतारना है। संक्षिप्त में समझें तो ये दिव्य राम कथा है। फिर एक अध्याय में निमि वंश का वर्णन किया और फिर सुखदेव जी महाराज ने चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ किया है। सूर्य वंश में प्रभु राम का प्राकट्य होता है। बार भाव से जयकार, श्री रामचंद्र भगवान की। अब चलते हैं चंद्र वंश में। चंद्र वंश भी वहीं से आया है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि महाराज, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए पुरुरवा बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के वंश में महाराज नहुष का जन्म होता है जो इंद्र की अनुपस्थिति में देवताओं के राजा बने। इन्हीं नहुष के घर पे महाराज छह पुत्रों का जन्म होता है, ययति, यति, ययाति, संयति, वियति, याति, अयति और कृति। यति नाम का जो पुत्र है सन्यासी बन जाता है,
ययाति महाराज के दो विवाह हुए, शुक्राचार्य जी की पुत्री और शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा की पुत्री है, देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की दो पत्नियां। शर्मिष्ठा के द्वारा तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई, देवयानी के द्वारा दो पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है यदु और सबसे छोटे पुत्र का नाम है पुरु। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता ययाति को दी। जब ससुर जी ने श्राप देकर के उनको बूढ़ा बना दिया तो ससुर जी ने दया करते हुए कहा कि कोई अपनी जवानी तुम्हें भेंट कर दे तो तुम पुनः जवान हो सकते हो। और बेटे ने अपनी जवानी अपने पिता को दी और पिता ने उस जवानी का भोग किया, लेकिन फिर वैराग्य हुआ तो पुत्र को पुनः वो जवानी देते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्र तुमने अपना सर्वस्व अपने पिता को सौंप दिया, मेरा आशीर्वाद है तेरे होने वाले सब वंशज दिव्य सम्राट बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और उन्हीं पुरु महाराज के वंश में महान प्रतापी दुष्यंत पुत्र भरत का जन्म होता है, इसी वंश में महाराज शांतनु का जन्म होता है, इसी वंश में भीष्म पितामह जैसे महान प्रतापी कौरव आते हैं, इसी वंश में महाराज पांडु का जन्म होता है, इसी में अर्जुन जैसे धनुर्धर वीर पांडव होते हैं, और इसी वंश में महाराज परीक्षित का जन्म होता है। जो भागवत श्रवण कर रहा है सुखदेव जी के द्वारा, सुखदेव जी ने उसी के पूर्वजों की कथा सुनाते हुए परीक्षित तक का वर्णन किया, परीक्षित तुम भी उसी महान प्रतापी पुरु के वंशज हो। लेकिन पुरु के सबसे बड़े भैया हैं यदु, वो भी महान प्रतापी हुए हैं। यदु महाराज के वंश में भी देवमीड अजमीड सूरसेन जैसे महान प्रतापी राजा हुए हैं, और सूरसेन जी महाराज के घर पर जन्म हुआ आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी महाराज का। उनका जब जन्म हुआ तो देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, इसलिए नाम ही रख दिया आनक दुंदुभी वसुदेव। वसुदेव जी महाराज के सात विवाह हुए, सात पत्नियां थी, सबसे छोटी पत्नी का नाम देवकी, और देवकी के उधर से आठ संतान हुई, नौ संतान, आठ पुत्र और एक कन्या। आठवीं संतान के रूप में परात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बनकर के पधारे। उन्होंने चार वर्ष तक गोकुल में लीला करी, सात वर्ष तक वृंदावन में लीला करी, चौदह वर्ष तक मथुरा में लीला करी और सौ वर्ष तक द्वारका लीला हुई। इस तरह से 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर दिव्य लीला करके अपनी लीला का संवरण किया। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हो गई कृष्ण कथा? बोले हो तो गई। अरे महाराज आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का कितना विस्तार से वर्णन किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। सूर्य और चंद्र के वंश को बहुत विस्तार से गाया, सब राजाओं के चरित्र को, लेकिन मेरे परम आराध्य श्री कृष्ण की कथा आई आपने एक ही श्लोक में पूरी गाई। ना महाराज, मैं उसको सुनने के लिए तो चार दिन से भूखा प्यासा बैठा हूं। राजन प्यास व्यास लगी हो तो पानी पी के आ जाओ। ना महाराज, न प्यास लगी है न भूख लगी है, केवल कथा पीने की बहुत प्यास है, जल्दी से मेरे प्रभु की कथा सुनाओ। और तब सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि द्वापर के चतुर्थ चरण में जब पृथ्वी पर अधर्म की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, धरती उन अधर्मियों का भार झेलने में असमर्थ हुई, ऋषि मुनि देवता धरती सब ने परमात्मा से प्रार्थना करी और भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में आकाशवाणी करते हुए कहा कि परमात्मा मथुरा में प्रकट होंगे। सारे देवता गोप गोपियां बनकर के धरती पर अवतरित हुए। इधर महाराज कंस का आतंक मथुरा में इतना बड़ा, उसने अपने ही पिता उग्रसेन जी महाराज को पकड़ करके जेल में डाल दिया, बाप को बंदी बना के राजा बना बैठा है, तो चारों तरफ उसकी निंदा होने लगी। देखो रे दुष्ट को, भले प्रतापी है, राजा है, बलवान है, लेकिन भाई हमारी धर्म मर्यादा तो यह कहते हैं कि कितने भी ताकतवर हो लेकिन वो ताकत आप अपने धर्म के ऊपर न दिखाएं, माता पिता के ऊपर न दिखाएं, ब्राह्मणों पर न दिखाएं, गायों पर न दिखाएं, संतों पर न दिखाएं, ये धर्म मर्यादा है। इसने अपने ही बना लिया। कंस ने सोचा कि एकाध काम ऐसा बढ़िया कर दो ताकि दुनिया वाले वाहवाही करने लग जाए, ये तो दुनिया है, आज निंदा कर रही कल वाहवाही करेगी। और कंस ने अपने काका जी की लड़की देवक की पुत्री देवकी का विवाह करवाया वसुदेव जी महाराज के साथ में, बड़े धूमधाम से विवाह करवाया, खूब नाचा, सबको मिठाइयां खिलाई। सबने कहा रे कंस कितना भी बुरा हो लेकिन अपने परिवार के लिए तो प्राण देता है, भाई बहुत बड़े आदमी है, कितना अच्छा है अपनी बहन के लिए, देखो विदा हो रही तो बहन आंसू बहा रही। वसुदेव जी जिस रथ में बैठ करके देवकी को ले जा रहे थे, कंस ने सारथी को नीचे उतारा, तू उधर भाई, मैं जाऊंगा अपनी बहन को पहुंचाने,
स्वयं ड्राइवर बन गया और जैसे ही रथ चलाया ठाकुर जी से ये सहन न हुआ कि मेरे माता पिता के रथ की बागडोर दुष्ट के हाथ में। भगवान ने बीच में ही आकाशवाणी कर दी, रे कंस जिस देवकी के प्रति इतना प्रेम है उसी देवकी की आठवीं संतान तेरा काल होगी। यहां से पता चलता है कि दुष्टों का प्रेम टिकाऊ नहीं होता, कितना भी ज्यादा दिखे लेकिन कब समाप्त हो जाए, ये कब सूख जाए भरोसा नहीं। जो अभी अभी बहन के लिए आंसू बहा रहा था आकाशवाणी सुनते ही तलवार निकाल के केस पकड़ ली मारने के लिए। वसुदेव जी ने कहा महाराज कंस आप जैसा सुरवीर एक बहन की हत्या करेगा कलंक लग जाएगा, दुनिया क्या कहेगी। वसुदेव पति है जानते हैं कि समय को टाला जाए बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस समय इस आक्रांता को बचाया जाए टाला जाए। और कंस के पग पकड़ करके कहा कि आपको देवकी से तो कोई खतरा नहीं, देवकी की संतान से खतरा है। महाराज मैं आपको वचन देता हूं मेरे घर में जो भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। वसुदेव जी की सत्यता से विश्वास करके कंस ने वहीं पर देवकी वसुदेव को छोड़ा घर चलाया। वसुदेव जी अपने घर गए, समय पाकर के देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को लेकर के वसुदेव जी कंस को देने गए। कंस ने माथे हाथ घुमा के आशीर्वाद दिया और कहा कि ये तो पहला है, ये हमारा कोई खतरा नहीं, हमारा खतरा तो आठवें से आठवा काल है, इसको तो ले जाओ आप। वसुदेव जी वापस लेके जा रहे थे, नारद जी ने देख लिया। नारद जी दौड़े दौड़े कंस के पास गए, महाराज कंस आपने बहुत बड़ी भूल करी, वसुदेव का पुत्र आपका काल है, हमने तो ऐसा सुना। बोले हाँ है लेकिन आठवा है। अरे महाराज ऊपर वाले की गिनती का भरोसा नहीं, वो इधर से गिन रहा है कि उधर से गिन रहा है, ऊपर से गिने तो पहला आठवा हो जाए। और नारद जी ने एक कमल पंखुड़ी जिसमें आठ पंखुड़ियां थी, यहां से गिने तो ये आठवीं, यहां से गिने तो ये आठवीं, यहां से गिने तो ये आठवीं, प्रत्येक पंखुड़ी आठवीं। महाराज भरोसा नहीं ऊपर वाला कौन सा आठवा कर दे, अपनी गणित और उसकी गणित तो अलग अलग है। कंस को लगा कि गुरु जी बात तो सही कह रहे। दौड़ करके वसुदेव जी के पुत्र को पकड़ करके एक पत्थर पर पछाड़ा, वही प्राणांत हो गया। अब देवकी वसुदेव कहीं भाग ना जाए तो जेल में बंद कर दिया। धीरे धीरे छह पुत्रों का जन्म हुआ, छहों को मार दिया कंस ने। जन्म तो इस नवजात शिशुओं को पत्थर पे पछाड़ के मार डालता, इसकी निर्दयता की हद। नारद जी ने ऐसा क्यों किया, नारद जी जानते हैं कि ये दुष्ट दया करेंगे तो भगवान आने में देरी करेंगे, परमात्मा को जल्दी बुलाना है, इनको जल्दी मिटाना है, तो इससे उत्पात कराओ पाप पड़वाओ। और नारद जी महाराज ने बहका दिया कंस। कंस ने वही कृत्य किया जो नारद जी चाहते थे, लेकिन सातवीं संतान के रूप में शेष नारायण भगवान ने प्रभु से प्रार्थना करी, महाराज इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलो भैया, महाराज पिछली बार भी चला था आप, राम जी बने में लक्ष्मण बना, लेकिन छोटा भाई बनने से बहुत तकलीफें पड़ी। क्यों भाई क्या हुआ। अरे आप वनवास के दुख भोग रहे थे, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा था, अगर बड़ा होता तो आदेश देता घर चलो कोई वनवास वनवास नहीं, लेकिन छोटा था तो क्या करें महाराज, आप जो कहते मानना पड़ता, अब की बार बड़े बने। भगवान ने कहा बड़े बन जाओ। देवकी माता के उदर में शेषनाग भगवान पधारे, सात महीने तक मां के उदर में पलते रहे। सातवें महीने के अंत में भगवान ने अपनी योग माया को बुला करके आदेश दिया, देवी अब हमको धरती पर कुछ लीला करनी है, इसलिए एक काम करो, देवकी माता के उदर में जो बालक पल रहा है उसको तुम, वसुदेव जी की एक दूसरी पत्नी है जो भी नंद बाबा के घर पे रह रही है जिसका नाम रोहिणी, इनको उनके उदर में ले जाओ, उनके पेट में ले जाओ। आज जो वैज्ञानिक कर रहे हैं डॉक्टर कर रहे हैं, भगवान की माया ने बहुत पहले करके दिखाया, सूत्र तो यहीं से मिले। महाराज देवकी माँ के उदर में सात महीने पला हुआ ये बालक आठवें महीने और नौवें महीने में रोहिणी माता के उदर में पलता है, और फिर षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्म होता है। बोलो श्री बलराम जी महाराज की। भगवान की आज्ञा से योग माया यशोदा की पुत्री बनने जा रही है और स्वयं परमात्मा देवकी माता के उदर में पधारे। अब कंस को लगा कि अब की बार तो आठवा है, विशेष सावधानी रखी जाए, पहरेदारी बढ़ा दी, चौकीदार ज्यादा लग गए। कंस स्वयं बीच बीच में सोचता है कि इस काल को क्यों जन्म नहीं दिया जाए, देवकी को पहले ही मार देते। मारने के लिए हाथ में तलवार लेके जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे देवकी को देखे उधर में भगवान बैठे, ठाकुर जी की दृष्टि पर ही बुद्धि बदल जाती है। और कंस सोचता है अरे मरना तो सबको है भाई, जब सबको मरना है तो फिर बहन को मार के क्यों मरे, काल तो सबका आएगा पर बहन को मार के कलंक नहीं लेना,
घर चला जाता, घर जाके सोचता कंस तो मूर्ख, अरे काल को जन्म नहीं क्यों देता। फिर कारागृह में आकर के बहन को देखे तो बुद्धि फिर बदल जाती। ऐसे ठाकुर जी रक्षा करते हैं। आप कहते हो ना भगवान कब आएंगे रक्षा करने के लिए, अरे आपका जो आक्रमण करने आया है उसकी बुद्धि बदल दे, भगवान का सामर्थ्य एक क्षण में शत्रु की बुद्धि चेंज हो जाए, चलो भाई छोड़ दो आज। परमात्मा ऐसे रक्षा कर लेते हैं। सैकड़ों बार कंस के मन में मारने की विचार आए लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ। और धीरे धीरे समय बीता, भगवान के माँ के उदर में पधारे हुए 9 मास पूर्ण हो गए हैं, 10वां मास लगा है, भादो महीना, प्रथमा तिथि गई, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी चली गई है, अष्टमी का दिन आया है, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और सारे देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भ स्तुति करी। प्रभु आप तो सत्य व्रत हैं, सत्य संकल्प हैं और आपके सारे प्रण, सारे व्रत, सारी बातें सत्य होती हैं। आप सत्यात्मक हैं महाराज। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य शतव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। एक ही श्लोक में 9 बार सत्य 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 कहकर के भगवान को पुकारा। देवता प्रभु की गर्भ स्तुति करके गए और इधर मध्य रात्रि के समय में भगवान चतुर्भुजनाथ के रूप में, जैसे कौशल्या माँ के सामने राम पहले प्रकट हुए थे, वैसे ही आज कंस के कारागृह में माँ देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रभु का प्राकट्य होता है। देखो हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे लेकिन कब, जब यहाँ व्यासपीठ से कहा जाए कि अब नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तब तब तक आप लोग शांति से धीरज से बैठे रहेंगे, ना गुब्बारे कहीं जाएंगे ना प्रसाद कहीं जाएगा, शांति से सुमेरपुर वालों को कथा सुननी है, अपने शालीन श्रोता होने का परिचय देना है, बस 10 मिनट धीरज रखना। जैसे ही परमात्मा चतुर्भुजनाथ के रूप में प्रकट हुए, भाव से एक बार जयकार, श्री चार भुजानाथ की, और भगवान ने प्रकट होकर के माँ देवकी और वसुदेव जी को सारी बात समझा दी कि यहाँ मेरा जन्म हुआ है, यहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आप मुझे यहाँ से नंद बाबा के वहां, यशोदा मैया के वहां छोड़ के आना, माँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है उसको लेके आ जाना, सारी बात बता दी। वसुदेव जी ने कहा महाराज बोलने से पहले देख तो लेते, बंधे पड़े हम तो, जेल के दरवाजे बंद है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, बाहर पहरेदार है। भगवान ने कहा वो सब तो काम हम करवा देंगे। ठीक है महाराज। पूरी बात बता करके परमात्मा चतुर्भुजनाथ से स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में, बाल कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते, छोटे से लाला के रूप में भगवान प्रकटे हैं। भाव से जयकार, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी महाराज ने लाला को एक फूलों की टोकरी में, फलों की टोकरी में लिटाया, जैसे ही माथे पर उठाया हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, खड़े होकर के चलने लगे तो दरवाजे खुल गए कारागृह के, देखा कि सारे पहरेदार खर्राटे मार के सोए हैं, कोई जाग नहीं रहा है, उधर से जो भी आएंगे इधर ही आएंगे, इसलिए पहले पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है, आराम से कथा में मन लगाइए। वसुदेव जी महाराज लाला को माथे पर उठा करके मध्य रात्रि में मथुरा से गोकुल की तरफ जा रहे हैं, और जब वसुदेव महाराज जाते जाते बीच में यमुना जी को पार करने लगे, यमुना जी ने देखा वाह मेरा आराध्य आज मेरे ऊपर से जा रहा है, कम से कम चरण स्पर्श तो करूं, और यमुना जी जैसे ही ऊपर बढ़ने लगी वसुदेव जी महाराज को लगा रहे यमुना जी में बाढ़ आ गई, अरे यमुना आज मेरे लाला को पार तो होने दे। लेकिन उधर बादलों ने देखा कि ओ आज हमारा परमात्मा घनश्याम, ये तो हमारा सजातीय है, हम भी घन हम भी श्याम ये भी घन श्याम, अरे प्रभु को क्या अर्पण करें, आज हमारे सामने से निकल रहे हैं। बादलों ने कहा इन्होंने कह रखा है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, फल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, तो अपने पास तो जल है, जल चढ़ा देते। हाँ यहां भी फूल चढ़ाने वालों से निवेदन है भाई थोड़ा लाला की आंखों में मुंह में न जाए वैसे चढ़ाना। बोलो राम। और तब महाराज वसुदेव जी ने लाला को लेकर के यमुना जी पार करना चाहा, बीच में चल रहे हैं, ऊपर से बादल बरसने लगे, पीछे से शेषनाग ने छत्र छाया कर दी प्रभु पर, बादल के छींटे न लगे,
और यमुना जी और ऊपर बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये तो हटीली है, नहीं मानने वाली। और तब ठाकुर जी ने अपना एक श्री चरण निकाल करके यमुना जी के जल से जैसे ही स्पर्श कराया, तत्काल प्रभु का चरणामृत बन करके यमुना जी नीचे बैठ जाती। बोलो यमुना मैया की जय। अब लाला को लेकर के वसुदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे। नंद भवन का आज दरवाजा खुला पड़ा है। यशोदा मैया प्रसूति गृह में सोई है, उसने एक लाली को जन्म दिया है, लेकिन पता ही नहीं है कि लाला जन्मा की लाली जन्मी। माँ तो अभी तक बेसुध पड़ी है। और वसुदेव जी ने वहां प्रसूति गृह में प्रवेश करके माँ यशोदा के पास में लाली को लिटा, लाला को लिटाया, लाली को उठाया और टोकरी में सुलाया, लेकर के महाराज मथुरा की तरफ चले। आज जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, कारागृह के अंदर गए, जैसे ही लाली को नीचे छोड़ा, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी लग गई, कंस के जेल के दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार सब जग गए, क्योंकि कन्या ने रोना प्रारंभ किया। कन्या रुदन सुनते ही जैसे ही महाराज कंस के पहरेदार जागे, दौड़ करके समाचार दिया, महाराज कंस देवकी ने आठवीं संतान को जन्म दे दिया है। कंस तो भय के मारे भागने लगा, पांच बार तो रास्ते में गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही जेल के दरवाजे के सामने आकर के देखा, देवकी माँ ने कहा, भैया ये तो लाली है, ये क्या काल बलेगी, ये तो अबला है। कंस ने कहा, अबला किस दिन सबला बन जाए, किस दिन मेरा काल बन करके मुझे मार डाले, मैं तो इसको जीवित नहीं छोड़ने वाला। और जब जीवित नहीं छोड़ने की बात कह करके कंस ने उस कन्या को हाथ में पकड़ करके उठाया और जोर से पत्थर पर पछाड़ने लगा। उसी समय वह तो साक्षात भगवान की योग माया थी, कंस के हाथ में से छिटक गई, आकाश में गई, अष्टभुजा धारण करके महामाया योग माया बनी और कंस को आकाशवाणी करते हुए कहा, किम मया हतय मंद जाता खलु तबांत कृत। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया। जात खालू खलु तवांत कृत, तेरा अंत करने वाला आ गया। अरे माताजी कहां आया, तेरे ही आसपास में, तू ही ढूंढ ले, मैं क्यों पूरा एड्रेस देके जाऊं। और ऐसा कह करके योग माया अंतर्धान हो गई। कंस बड़ा भयभीत हुआ है, अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि आकाशवाणी झूठी निकली, मेरा काल तो कहीं प्रकट हो गया। अब कंस को परेशान होने देवे, उसको आपातकालीन मीटिंग करने देवे, हम सब तो चलते हैं गोकुल में। उधर गोकुल में सुबह सुबह का समय हो रहा है। यशोदा मैया की ननद सुनंदा, नंद बाबा की बहन, भाभी के कोई बालक होने वाला है, सेवा करने आई थी। सुबह सुबह में जाके भाभी को संभाला, देखा कि भाभी के पास में इतना सुंदर लाला लेटा है। आहा, बाल कन्हैया को देख करके सुनंदा के नेत्र अटक गए। इसको देखती रहूं कि दूसरों को भी बधाई दे, लेकिन सुनंदा को लगा कि ये तो खुशी सबको बांटने जैसी है, क्योंकि सुख तो बांटने से बढ़ता है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। दौड़ करके सुनंदा गौशाला में गई, नंद बाबा जहां बैठे माला जप रहे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अरे भैया क्या हुआ बहना, तू आज इतनी जल्दी जल्दी कैसे दौड़ के आई। अरे शुभ समाचार लेकर के आई। क्या ऐसे शुभ समाचार है, सुनते ही पागल हो जाओगी। अरे बोल तो सही, क्या समाचार है। भैया जीवन में आज तक नहीं सुना ऐसे समाचार है। अरे बता तो सही। भैया भगवान ने कृपा करी है, तुम्हारे घर भाभी ने लाला को जन्म दिया है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना, आनंद में भर गए, आनंद विभोर हो गए। तुरंत गुरुदेव सांडिल्य महाराज को बुलाया और बुला करके जात कर्म संस्कार करवाया। इधर सुनंदा ने सारी गोपियों को जाकर के सूचना दी, देखो देखो मेरी भाभी ने लाला को जन्म दिया है। घर घर से गोपियां ग्वाले गोप सब दौड़ते हुए आ रहे हैं। सारा ब्रजमंडल आज उत्सव में डूबने जा रहा है। यहाँ सुबेरपुर की भागवत कथा के माध्यम से आज प्रभु का कथा के माध्यम में प्रकट हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है। आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक सूचना के साथ हम बधाइयों गाना प्रारंभ करें। कल कथा का पांचवा दिन है, अब तो गणी गई थोड़ी रही जामो छिन छिन जाए, ज्यादा समय तो निकल गया है, अब तो प्रभु की लीलाएं प्रारंभ होने वाली है। कल की कथा में 56 भोग का दिव्य प्रसाद अपन सबको मिलेगा और ठाकुर जी की 56 भोग की झांकी सजेगी, प्रभु की बाल लीलाएं होगी, गिरिराज जी की लीला होगी। और सारी लीला को श्रवण करने के लिए आपको 2:45 से 5:30 तक पुनः पधारना है। और जैसा कि कल ग्यारसीलाल जी ने सूचना दिया है कि 56 भोग अधिक मात्रा 250 ग्राम, उससे कम कम में जितनी आपकी इच्छा, जिन जिन को जो जो पर्ची मिली है कल लेकर के आना है। आओ भगवान के जन्मोत्सव का हम सब आनंद लेवे। एक बार भाव से जयकार।
श्री राम सच्चिदानंद भगवान की, सियावर राम चंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु के प्राकट्य उत्सव की आप सभी हरि भक्तों को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो। आओ अब आनंद से बधाइयों का श्रवण करें और आगे की सूचना ग्यारसी लाल जी से श्रवण करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर या समक्ष आकर के बहुत नाच कूद के साथ धूमधाम के साथ आप बांटो सब। आनंद भयो जय हो नंदलाल की। है ब्रज में आनंद
जय जयकार नंद घर लाला जायो है। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बधाई सारा भग
पाठ की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लल्ला भयो जय हो नंद लाल की। सुखबरिया सबने सुनावा, सुखबरिया सबने सुनावा, ए जो मार ना चाहे तो मौज मनावा, जो मार ना चाहे तो मौज मनावा। प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयां, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यह आनंद हम कथा के प्रारंभ में ही कल और थोड़ा सा मनाएंगे। उसके लिए आपको 1:45 बजे तक यहां पहुंचना होगा। जो जो 1:45 बजे आएंगे वो सभी इस आनंद में गोते लगाएंगे। आए आरती से पूर्व